passport, please. Yeah. Okay, thank you. Thank you. Come on, next. Hello. मैं इंडिया काफी माल के साथ आ रहा हूँ. Be ready. Excuse me, sir. Yes. The captain wants to see you now. All right. Let's go. Please come. Put it here. Your passport, please. Pasupati Oberoi. Yes. Those boxes belong to you? Yes. What are they? Toys. Take this and open it. It's a gun. And it's working. Bon voyage. नमस्ते सर. गुड मॉर्निंग. नमस्ते सर. वेलकम टू इंडिया. अरे बहुत लोग हैं. इंडिया में गन की डिमांड बढ़ गई है क्या? वो सर, मैं ही लोगों को प्रोत्साहित कर रहा हूँ. खाली बैठने से अच्छा होगा एक दूसरे को गोली मारते रहो. इस दौरान स्टूडेंट्स भी ड्रग्स से ज्यादा गन रखना फैशन समझ रहे हैं सर. हाँ, वो कौन है? नमस्ते सर. रंजन मुद्गल, श्रीलंका से आया है सर. .35 मैग्नम कोलंबिया से मंगवाया है. इसमें क्या खास बात है? 5-inch बैरल, स्ट्रेट फिलिंग, सिंगल हैंड ग्रिप, 900 ज़ूम. कॉन्डोम पैकेट कैरी करना जितना आसान है ये, समझे तुम लोग? ये तो सब गन में होता ही है सर. इसमें स्पेशलिटी भी है रंजन. मूविंग टारगेट पर भी निशाना लगाना मुश्किल नहीं है. इन गन से तो आसान है, समझे? नहीं ना. मूव. उस बच्ची को देखो. फॉर एग्जाम्पल, वही टारगेट समझते हैं. अब उसे हम लॉक करेंगे. नाउ इट्स लॉक्ड. सी, देखिए. वीडियो गेम के माफिक है ये तो. इट्स नॉट ए गेम एंड दिस इज नॉट ए टॉय. भरोसा नहीं. What? You don't believe this? Uh.
साउंड जरा कम है क्यों? लाइब्रेरी में भी यूज कर सकते हो, रेट कम नहीं होगा रामकोटी। सर, अमेरिका में बहुत लोगों को रिश्वत देने के बाद यह हासिल किया। सर, वो बच्ची। इतनी सी बात के लिए अपसेट क्यों होते हो रामकोटी? वैसे उस बच्ची को वहां क्यों रहना? कोई कुत्ता भी हो सकता था। यही तो बदनसीबी है जिसे कोई नहीं बदल सकता। वैसे हमारे गोली चलाने से मर गई बच्ची? नहीं मरेगी। रिसेंटली भगवत गीता पढ़ना शुरू किया है, बहुत पीसफुल लगता है मुझे। उसमें इससे मिलती जुलती एक लाइन थी, हाँ सुनो, नैनम चिंदंती शस्त्राणि नैनम तहती पावका, समथिंग लाइक दैट। यानी आत्मा को हम चाकू से नहीं काट सकते, पानी में नहीं भिगो सकते, रिवॉल्वर से नहीं मार सकते। मतलब बच्ची मरी नहीं है, शरीर छोड़ के गई है यहाँ से। ध्यान से देखो, आत्मा अभी भी झूल रही होगी वहां पर। फिर मिलते हैं सर। बॉडी निकलवा देना असगर, आत्मा की तरह शरीर पवित्र नहीं होता, बदबू आने लगेगी। वो सब मुझ पे छोड़ दीजिए सर। रानी आई रे। अरे आई कहाँ है, वो तो वहीं बैठी हुई है। अब ये राजा रानी के पास जाएगा। अरे सेना के बिना राजा अकेले कैसे जाएगा, हम है ना तुम्हारे साथ, चलो चलते हैं। चलो चलो। अरे मेरी रानी। अरे मैंने बोला था जीजू को मैं लॉरी में ही चला जाता हूँ, सुने तब ना, रेल में चला जा, बर्थ होगी, आराम से सो सकते हो। कहाँ सोने दे रहे हैं ये लोग। भाई कोई हमारे लोगों की बुरी तरह धुलाई कर रहा है। हमारे लोगों की? भाई तू थोड़ी देर वहां संभाल, मैं अभी आता हूं। ठीक है भाई। हम सबके हालत बहुत खराब है, तू 5 मिनट संभाल ले, मैं अभी। ठीक है भाई। तो ये सारे तुम्हारे फ्रेंड्स हैं? नहीं भाई, बस जानता हूँ इन्हें। तो अब इनका क्या करोगे? मैं उठा के ले जाऊंगा। ये बात ठीक है। वैसे एक्सरसाइज करके आया? हाँ भाई। मुझको मारने? नहीं भाई, मुझे नींद नहीं आती ना इसीलिए। हाँ। देखो स्टेशन आ रहा है, रेलवे हॉस्पिटल होगा वहाँ। हाँ? सबको ले जाकर वहाँ भर्ती करना। ठीक है। ये फैन ले जाकर टीसी को देना। अच्छा, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है भाई। ये बात तुम अच्छा? मैं हूँ ना। अच्छा, अच्छा, सब समझ। बैठो बैठो तुम। यहाँ किसी ने मैं आ रहा हूँ बोला था क्या? मैं नहीं कहा था। तुमने मुझे मारने के लिए? नहीं, इनको ले जाने के लिए। इनको है ना, चल ले जा। सुनो, औरत की इज्जत करना हमारी सभ्यता है। ऐसे क्या घूरते हो, पुरानी कहावत है, मेरी बातें तुम्हें बुरी लगेंगी, बदलने की कोशिश मत करना, फॉलो करो जो मैंने कहा। ठीक है भाई। ले जाओ। अरे संभाल के भाई। पीने का पानी है तुम्हारे? बिल्कुल है, लीजिए। थैंक्स। क्या पढ़ रही हो? बुक। गाड़ी में नहीं, वैसे क्या पढ़ती हो? इंजीनियरिंग फाइनल ईयर। इंजीनियरिंग पढ़ने वाली लड़कियां मुझे बहुत पसंद। मुंबई आते ही ऐसे टच करना, वैसे उठ जाऊंगा। मुझे इन गुंडों से बचा के बहुत बड़ा एहसान किया, आपका शुक्रिया। इसीलिए मैंने कहा कल सुबह उठा देना। ठीक है जी। आजकल लड़कियों को इतना कोमल नहीं होना चाहिए, ऐसे लोगों को चप्पल से मारना चाहिए, पब्लिक भी तुम्हारी तरफदारी करेगी। गुड नाइट। आज प्लेटफॉर्म टिकट के बिना कोई भी दिखाई पड़ा तो मिनिमम 1000 रुपए खींच लूंगा। इस महीने मुझे कैसे भी अपनी बीवी को सिल्क की साड़ी गिफ्ट करनी है। टिकट प्लीज, टिकट। या टिकट। अरे थैंक यू सर। टिकट गुड। टिकट काउंटर से ला जा। टिकट प्लीज। हमने दे दिया है। किसको दिया? हम आपको दिए थे। पुलिस? पुलिस नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए। देखिए 2 मिनट में हमारा भाई आ रहा है, वहाँ पे ही सब ठीक कर देगा। हाँ भैया जल्दी, टाइम नहीं है।
अरे तुम अकेले आते तो काफी था, मेरे लिए इतनी सिक्योरिटी क्यों साथ लाया? ये सब तुम्हारे लिए नहीं आया है, ये सब मेरे फैंस है, एक टीसी समझ कर अपना टिकट दे दिया हूँ। फिर टीसी को क्या दोगे? तुम दोगे तो 1000 दूंगा। मैं? अरे जिंदगी कुछ बनने के लिए तुमको 2 लाख रुपया दिए थे, आज स्टेशन से बाहर निकलने के लिए 1000 रुपए नहीं दोगे क्या? उधार मांग रहे हो या हेल्प मांग रहे हो? उधार चुकाऊंगा तो मेरा नाम होगा, हेल्प करोगे तो तुम्हारा नाम होगा। अब तक मुझे जो नाम मिला है काफी है, तुम जितनी जल्दी हो सके बहुत अच्छा नाम कमाओ तो खुशी। जरूर कमाऊंगा भैया, लेकिन हमको थोड़ा टाइम लगेगा। 1000 रुपए। आटा भैया तुम्हारा सडन लेना कैसे हुआ? एक डॉक्टर से मिलना है। अरे रुको भैया रुको, आ जा भैया बैठ जा, चलो भैया। अरे रुको रुको रुको, अरे रुको, पैसा दे दीजिए भैया। भैया वैसे प्रॉब्लम क्या है? बहुत दर्द होता है। अच्छा, यहाँ शुरू होकर बगल में जाता है, ऐसे पीछे की तरफ, फिर यहाँ आगे आते ही ऐसे घुस जाता है। बहुत अच्छा है। मेरा दर्द? तुम्हारा बताने का ढंग बहुत अच्छा है। लीजिए। ऑलरेडी अपॉइंटमेंट भी ले लिया है? क्योंकि दर्द बहुत ज्यादा है भाई। सत्यनारायण माथुर, तुम्हें दिखता नहीं है क्या? बिल्कुल है। डॉक्टर साहब ने बुलाया है आपको। बात कर रहा ना? तुम्हें नहीं, मुझे। यहाँ बहुत लोग हैं, इस बार कैसे भी मिलके ही जाएंगे। एक्सक्यूज मी, एक ग्लास पानी मिलेगा का? तुम्हारे पैर हैं, वहाँ जाकर पी सकते हो ना? पैर में बहुत दर्द है, बैठू तो उठ नहीं सकता, उठू तो बैठ नहीं सकता। ओके थैंक यू। आ रहा हूँ भैया। अरे मन नहीं था तो मना कर देना था, चप्पल दिखाने का जरूरत था। अरे पागल हो गया क्या, दिखता नहीं है क्या? अरे कम से कम सॉरी तो बोल, पागल कहीं का। वो लोग कहीं भैया का अपहरण तो नहीं कर रहे हैं? कौन है वो? मुझे पता नहीं कहाँ रहता है वो। फोन पर वो कुछ ग्रंट रूट जैसा बोल रहा था। अरे माई रे माई। तो यहाँ हो तुम, हाथ क्यों कांप रहे? डॉक्टर को दिखाओ। मैं पानी पीने से ठीक हो जाएगा। पी लो, चलो। क्या है? रख लो। कुछ दवाई वाई लिख के दिया का? हाँ, इंजेक्शन दिया है। तुमने उसको दिया कि उसने तुमको दिया? तुमने देखा? भूल गया। तो ठीक है चलो। पुत्र भैया, 2000 का चेंज है का? नहीं है। तो वेट करो भैया, बहुत बड़ा अपार्टमेंट है, ये शांता है, कांता है, और उसके पीछे जनता है, मुझे क्या लेना देना इससे? अरे रुको, देंगे भैया देंगे, कहाँ चिल्लाते हो? दीजिए ना सब पैसे। अरे रुको, अरे राजू इधर आ, देखो ये अपना ही बच्चा, तुम इसके साथ खेलो, पैसा लेके आता हूँ। भैया जय बजरंग बली। मत देखो, शायद तुमको बुला रही है। भैया क्या है? वो लड़कियाँ जो बैठी है दाई तरफ, उनकी तरफ क्या दिखा रहे हो? लड़कियाँ तो यहाँ है। उंगली उनकी तरफ दिखाओगे तो काट कर रख देंगी। वो लड़कियाँ नहीं है भैया। आटम बम, आटम बम। उनसे दूर रहना ही बात है। तुम्हें नहीं, उनसे दूर रहोगे तो बहुत अच्छा है। मर्द के पास जो बहुमूल्य मर्दांगी होती है वो चुरा लेती है, बहुत तेज लड़की। बाप रे। तभी तो घर जाते वक्त तू पेंटिंग को देखते हो जाता हूँ। वहाँ पेंटिंग का है यार? मतलब आप एमएम हुसैन उधर थोड़े आएगा, पेंटिंग है उधर, सोच के देखता हूँ, चल जाता। तुम भी ऐसा ही करना। अरे अरे सुनो, इधर आओ। मैं? हाँ भाई। मतवाली चालता देखो। क्या है? तुम वो राम अवतार की बेटी हो ना? नहीं, मोहन वर्मा की बेटी। मोहन अंकल की बेटी हो? अरे बचपन में हम दोनों कितने प्यार से खेला करते थे, तुम्हें याद है? कुछ याद नहीं। अरे तुम तो बहुत खेल गई हो। जाओ जाओ खेलो फ्रेंड के साथ। चलो अंकल को नमस्ते कहना। उसका पिताजी तुमको जानते हैं? नहीं जानते। पान खाएंगे क्या? दो बनाओ। अच्छा साहब, नहीं मालूम बोल रहा है, फिर भी उसके इतने नजदीक जाके बात कर रहा था। फेस बढ़िया है पुकारा उसे, बेस बढ़िया है मारा उसे। ये लो साहब, इतनी छोटी बात पर डिस्कशन क्यों चला? डेंजर लगता है साहब, पैसे इसको किसी खाते में लिख लो। पता नहीं किसका भाभी, हमको सब लोग जानते हैं। लिफ्ट भी नहीं है। अरे पांचा माला तो है, पान बहुत बढ़िया है। अरे भैजू भैजू, नीचे ऑटो वाले को पैसे नहीं दिए क्या? वो मेरे बेटे को ले जाऊंगा बोल रहा है।
अरे अगर बीवी को ले जाऊंगा बोलता तो परेशान नहीं होता मैं, तू जल्दी आ। छोटा मत निकाल। सालिया तुम यहाँ रुको, अब आता हूँ। इस अपार्टमेंट में सेक्रेटरी बनके रहना तो बहुत छोटी बात हो गई है। हाँ, कोई स्विच डालो तो बल्ब नहीं जलेगा, टैप खोलो तो पानी नहीं आता बोलेंगे, कैसे पानी आएगा? हम डालेंगे तो आएगा। अरे पैसे भेजो तो पानी खरीदेंगे तो पानी आएगा ना। अरे जल्दी से किसी के हाथ से पैसे भेज दो। टेलर का लड़का नहीं आया माँ? हाँ निकला ही होगा। लो आ गया, आओ। सुनो अंदर आओ, रोज बुलाना पड़ेगा क्या? आओ। पैसे दो। ऐसे क्या पूछता है भाई, ये क्या पहली बार है? 2002। दो ऐसे थोड़ी दे रहा भाई। ठीक है ठीक है, सुनिए रो। अरे आना। कितनी देर यूं ही रहूंगी, शुरू करो। कम ऑन। क्या हुआ? मेरी माँ है, माँ है माँ। अरे कहाँ चला? कोई बात नहीं, जल्दी करो, और भी बहुत काम पड़े हैं। कम ऑन। मेरे घर में घुस के मेरे बेटे को बाहों में ले गए, आखिर तुम घर में कैसे घुसे? अरे बिना बताए जा रहे हो, कौन है वो? मुझे क्या मालूम कौन हो तुम, बोलते क्यों नहीं? वो क्या है कि इन्होंने दरवाजा खोल के मुझे अंदर बुलाया। इसने बेल बजाया था। चुप करो जी, अंदर आते इन्होंने छोटा बच्चा समझ के मुझसे 2000 रुपए हड़प लिए। यही था वो हट्टा कट्टा मोटा सा। कौन है? यही है चश्मेश। डैडी, वाह क्या फैमिली है। आखिर हुआ क्या है? सुनिए जी, इधर आओ। आपने इनसे पैसे? हाँ मैंने लिए, क्यों गलत है? मेंटेनेंस भेजा समझ के लिए मैंने। आखिर हुआ क्या है? अभी कुछ नहीं हुआ, मेरे पैसे वापस करो। दे दूंगा, आखिर बात क्या है? आप जिसे चाहे उनसे पैसे ले लेंगे? अरे दे दूंगा भाग्यवान, आखिर बात क्या है? और क्या हुआ भैया? अब तक मैंने 30 बार पूछा है, मुझे नहीं बताया, तुम्हारे पूछने पर बता देंगे। लेकिन हुआ क्या भैया? कुछ नहीं रहे, इस लड़की ने दरवाजा खोला और मुझे अंदर ले गई। बेडरूम में जाने के बाद मुझे एक बार हाथ उठाओ जरा। हाँ तब मैंने इसे जोर से पकड़ लिया। ऐसे पकड़ा था। उधर हॉल में तुम्हारी माँ है, मैंने ये भी बोला था मेरी माँ ही है ना, परवाह नहीं, मुझे लगा ऐसा रोज होता है। ये क्या पकड़े हो तुम? आपका फैमिली बिजनेस होगा मैंने सोचा था। फैमिली बिजनेस ये नहीं, राइस का बिजनेस है। हमको खुद समझ में नहीं आ रहा था, खुल के बोलो। हद तेरी, तो इसको दोबारा करके दिखाते। देखो इन्होंने ऐसे हाथ उठाया था और मैंने। ये हमारा वाइफ है, अब बताओ। अरे हमेशा क्या सबको बताऊंगा? बिल्कुल नहीं। अब बहुत हुआ जी, पुलिस को बुलाइए, अरेस्ट कराइए। पुलिस को? अरे क्या करते हैं, हमारा दोस्त है, हमारा बहुत खास है, बहुत अमीर है, गांव में 100 एकड़ जमीन है। 80 एकड़ आम, करीब 20 एकड़ अमरूद के पेड़ है मेरे। शाम को हमारे घर भोजन करने जरूर आना बेटा। सुनिए जी, आप भी बोलिए ना। इंस्पेक्टर साहब, शाम को हमारे घर पर खाने पर जरूर आना, बता दिया भाग्यवान। आंटी क्या है? मम्मी सुनिए जी, उसके पास 100 एकड़ जमीन है। बेटा इतनी जमीन जायदाद है तुम्हारे पास, बिना जाने बगैर यूं ही बोलो। कोई बात संभाल लो, चलता हूं जी। बेटा चाय बनाओ क्या? क्यों बेकार में तकलीफ कर रही है? इतना भला मानस है। बस कर यार। काफी बहुत बढ़िया है ना भैया, तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछो। क्या सचमुच लड़की तुमको बुलाई है? चुप। मुझ जैसे भोले भाले इंसान पर शक करता है रे? नहीं हमारा मतलब है कि एक साल से हमको आग उठा के भी नहीं देखे, तुमको गले लगा लिया। अब देखो भैया, इन लड़कियों को इतनी आसानी से नहीं समझ सकते, हम कितना कोशिश किया, हमको ठुकराया, तुमको गले लगाया। अरे नहीं नहीं नहीं, उसको वहीं रहने दो, वहीं ठीक है। तोड़ दूंगा, इसकी नौबत नहीं आने दूंगा। भैया एक डाउट है हमारा। बोलो। छोकरियों के बारे में नहीं, ऐसे तुम्हारा कभी पैर पिछला का? ये कैसा शोर है रे? गणेश चतुर्थी आ रही है ना। बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। बहुत धूमधाम से। वैसे तुम बात को बदल रहे हो, पैर फिसला कि नहीं बताओ ना। नहीं रे, किसी को नहीं बताऊंगा, प्रॉमिस। अरे सुन तो, कभी कभी टॉनिक जरूर पिया बस, लेकिन ऐसा कुछ पैर फिसलने जैसा नहीं किया। You get lost.
आज तक तेरे घर में काम काय को किया तेरे को मालूम है क्या? उस अलमारी की चाबी के लिए ए बुढ़िया वो कहां छुपा के रखा बोल वरना जान से मार दूंगा। ओह माय गॉड बेटा नहीं यार साहब मेरी शादी हुए 24 घंटे हो गए ये तो मानती ही नहीं क्या करूं तलाक के पेपर बनवा दो क्या फोन रखो काम हो गया अरे कहाँ हो गया अरे तू इनको लेके जाओ हम अपने भैया को देखता हूँ भैया अरे भैया भैया कहाँ हो गया अरे पैर फिसल गया था ग्रैंड रोड कुछ अजीब सा लग रहा है ऐसा काहे बोल रहे हो हाय मेरी जान ये क्या है हमको तो स्वर्ग नजर आ रहा है एड्स का नर्क है समझे चलो ओए रसूल हाँ क्या दीदी एक शैम्पू बॉटल ला दो ना 100 फेंको 50 में मिलता है बाकी मेरा कमीशन बहन कहता है कमीशन मांगता है वो भी ठीक का कमीशन रहने दो खर्चे के लिए 50 दो फेंको जल्दी लाओ तेरा नाम क्या है रसूल क्यों हमको छोटा इन्फॉर्मेशन चाहिए बताएगा तो शैम्पू बोतल का शैम्पेन का बोतल ले सकते हैं इतना पैसा दूंगा मामला क्या है यहाँ बैठो हमें एक बढ़िया सी बंदूक चाहिए बंदूक छोकरियों के बारे में पूछोगे तो बताऊंगा बंदूक के बारे में मैं क्या जानूं तेरे भगवान बच गया चल यहाँ से चल ठीक है सर नहीं जानता कहा तो चल दिए फिर मुझे थोड़ा सोचने का वक्त दीजिए ना सर थोड़ा और कितना टाइम चाहिए थोड़ा और तुम्हारा नाम रसूल नहीं वसूल होता तब ठीक होता बहुत है काफी है बंदूक वगैरह क्या ऐसे ही मिल जाती है आपको सचमुच बंदूक चाहिए ना उसे बेचने वाला चाहिए असगर आप यहां से आगे जाके लेफ्ट लीजिए गली से चौथा घर है वैसे बंदूक से ज्यादा वो खतरनाक है होशियार रहना ये तेरे लायक अरे का जाने मान संभाल इसे अरे तू तो हमारा जैसन है अरे नहीं छोड़ अरे खड़े अरे भैया चल 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 तुम यही रुको पूरा माल चला गया होगा हाँ भाई सही क्या है असगर से मिलना है क्या काम है असगर चाहिए मुझे काम असगर है? सुना नहीं भैया असगर का पता चल गया ना अब चलो तभी तो तुझे यहाँ रुकने को बोला था भाई बुला रहे हैं आ जा बोल क्या मांगता है गन चाहिए तुम्हें कौन बोला कि मैं गन बेचता हूं यहां गन में कुछ नहीं मिलते चल चल यही इसी तरह की एक हमें भी चाहिए समझ गया तुम पुलिस वाले नहीं हो चोट खाए हुए शेर हो इसकी जरूरत है तुम्हें ठीक है ले लो काफी खर्चा होगा कितने में दोगे 25,000 मुझे नहीं चाहिए कितने में आती है तुम्हें इसे कौन देता है तुम्हें क्यों बे बहुत कम लग रहे हैं मुझे कितने गन्स बेचे असल में 25 बेचे बस इतने ही आजकल सीजन नहीं है ना चाह मैं एक आइडिया बताऊं सर बोल अपने शोरूम में एक स्कीम चालू करते क्या पोर्टेबल टीवी खरीदने वाले को देसी बंदूक फ्री
प्रोजेक्शन टीवी खरीदने वाले को रिवॉल्वर फ्री, प्लाज्मा टीवी खरीदने वाले को AK-47 फ्री, ट्रायल के नाम पे हम दोनों पे ही गोली चलाएंगे। पसंद नहीं आया सर। बकवास है। कल असगर को बताया था तो उसने तो बहुत अच्छा बोला। क्यों नहीं बोलेगा, वो पागल जो है, बातें बहुत और दिमाग कम। अरे अरे, अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। 100 साल जियोगे, कैसे आना हुआ? एक अजनबी आया, गन्स के बारे में पूछने लगा और लफड़ा करने लगा। कौन था वो, पुलिस वाला? नहीं मालूम, हमारे लोगों को मारा, मैं बच के भाग गया। आते हुए उसको इनका एड्रेस भी दे आते। अरे घूरता क्यों है बे? अब देखना, रोज सिनेमा देखने जैसा हमारे अड्डे पर आएगा, वो 400 तक इसकी लगातार पिटाई करेगा, जिससे इनका पूरा बायोडाटा बता देगा। तब ये राम कोटी राम भजन गाएगा चक्की पीसते हुए। चुप, अब और क्या लेने आए हो? यहाँ एक सोल्डरिंग रॉड रखा था, उसके पास ले लो। अरे ये तुम्हारा पैर रखने के लिए, रखिए रखिए। अरे मेरे इज्जत की कितनी परवाह है तुम्हें? बिल्कुल। ये क्या है? ब्रांडी है, लार्ज की स्मॉल। लार्ज बनाओ। ओके भैया, जब हम खरीदने गए थे ना साथ में, हमने देखा बड़े तो बड़े छोटे भी लगे हुए थे। छी छी, देश का नाश होता जा रहा है। ए? अरे एक बार तो मैंने लेडीज को, अच्छा हाँ, सोडा दू की पानी दू? नीट मिक्स करो तो नशा नहीं चढ़ता। कुछ भी हो, हमें शराब बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, बुरी आदत है। लोग एनकरेज क्यों करते हैं? सही कहा। मैंने तो अपने गांव में दिन दहाड़े देसी शराब पीते लोगों को देखा है। भैया लोग बदलते काहे नहीं है? इतनी जल्दी नहीं बदलेंगे। एक और लाश डाल। शराब पीने वालों को नौकरी नहीं देंगे, ऐसा रूल बनाना होगा। रात के खाने का कुछ बंदोबस्त किया तूने? हमको एक बात याद है भैया, आज रात नीचे वालों ने बुलाया था, लेकिन अब नशे में कैसे जाएंगे? भाई जो हम क्या शराबी है जो पीने के बाद झूमेंगे? सुनो, यहाँ 2 पैक डाल के नीचे जाकर 4 रोटी और चावल खा के गुड नाइट बोल के आ जाते। काम लोग को शक नहीं होगा? चुप है, पागल हो गया क्या? अरे मेरी माँ को शक नहीं आता, उनको क्या पकड़ में नहीं आते थे? नहीं, उस दिन मैं घर कह जाता हूँ। लगता है तुमसे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग जी, सुनिए। क्या है जी? ये फ्लैट आप ही का है ना? पहले आप आ चुके हैं ना? बैक से अंदर आया था, फ्रंट से पहली बार देख रहा हूँ। इडियट, तेरे को बोली। आगे चलो। ऐसे कहाँ चल रहे हो भैया? ऐसे समय पर सोच समझ के कदम रखना चाहिए। करेक्ट। आओ बेटा। नमस्कार। नमस्कार, काफी इंतजार कराया तुमने। अरे बेटा, तुम्हारा चेहरा क्यों फूला है? जुकाम हुआ है क्या? अभी आई। क्वेश्चन आंसर दोनों खुद ही दे रही है, देखा। एंटी की नाइट ड्रेस थोड़ी मॉडर्न है क्या? लेटेस्ट फैशन है। ये रंग तो बहुत बढ़िया। मेरी बेटी ने ही सिलेक्ट किया है बेटा। क्यों जी, आप आ गए? नमस्कार तुझे। आपको? ओहो नमस्ते बेटा, बैठो बैठो। डिजाइन बढ़िया है, मेरी बेटी ने खुद सिला है। तुमने आज का पेपर देखा? मुंबई में मर्डर हुआ ना, आपकी बेटी ने किया? परसों उसने पिक्चर बनाया, वो छुपा है। कल मैंने आपकी बेटी को देखा तो मेरे जान पर आई। जल्दी से खाना मेरे भैया, तो सब कुछ देखा, पे फॉलोइंग नहीं देखा? ये भी मेरी बेटी नहीं, पोछा मारा था। चलो जा। अरे काफी समझ, इससे हमें पता चलता है कि परमेश्वर जी की बेटी को बहुत घमंड है, सफाई पसंद है। चावल भी दीजिए आंटी जी। परोस तो दिया बेटा। आए थोड़ा और परोसिए। ऐसे नहीं खाते बच्चू, थोड़ा थोड़ा ऐसे खाना चाहिए। बेबी क्या पढ़ रही है आंटी जी? बीए तक पढ़ी है बेटा, फिर कॉलोनी के लड़कों ने ज्यादा छेड़ना शुरू किया तो पढ़ाई बंद करवा दी हमने। बहुत बढ़िया किया, वैसे भी आपकी बेटी तेज छुरी है। अजी मेरा मतलब है, चाकू शार्प होता है ना, वैसे तेज है तलवार जैसे। सही कहा तुमने बेटा। वो इंटर में जब पढ़ रही थी तो हमारे घर के सामने वाले लड़के ने भी यूं ही तेज चाकू की तरह है कहा था। उसने क्या सोच के बोला होगा? थोड़ी दही डालो बेटा। उतर जाएगी। उतर जाएगी जी, बहुत खाया तो मजा उतर जाएगा। हम हरे हरे गेरे को खाने पर नहीं बुलाते बेटा, क्योंकि सबके पास तुम्हारे जितनी जायदाद थोड़ी होती है। तुम तो मुझे भले मानस लगते हो बेटा। अरे भगवान, वैसे आज कल के लड़के शहर आते ही बहुत बिगड़ जाते हैं। 10वीं पास करते ही सिगरेट शुरू, फेल होते ही शराब शुरू। कुछ देर पहले हम भी सेम टू सेम टॉपिक पे बात कर रहे थे। क्यों? तुम लोग पी के आए हो ना? हमने करेक्ट इंतजाम किया,
फिर भी पकड़ लिया। भोजन दाएं हाथ से खाकर बाएं हाथ धोओगे तो पकड़े नहीं जाओगे। वो मामूली नहीं लगता, आते ही उसने मुझे यहाँ मारा। तेरी तो झप्पी ले ली उसने। उसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, अपनी धाक उसको जरूर दिखाएंगे। यहाँ जलाएंगे तो वहाँ फटेगा। जय बजरंगबली। हमको बहुत पिशाच निकट नहीं आए, महावर जब नाम सुना बच्चे। कहा है बहन जी, क्या बात है, आज नई शर्ट पहनी है? कहा है ना, आज हमारा बर्थडे है सिस्टर। सच में? कसम से गंगा मैया कसम। हैप्पी बर्थडे भैया। हमको सिस्टर शाम को G49 में आ जाना। कहा है को सिस्टर? तेरा बर्थडे हम सेलिब्रेट करेंगे। तुम सेलिब्रेट तो हम वहाँ क्या करूँगा? बिल दोगे? हमारा पास पैसा नहीं है। अब उनको नहीं मालूम, उधार कर डाका डाल, मगर पार्टी अरेंज कर जान। और उसको भी साथ ले आना, वरना बेचारा बहुत पछताएगा। ओके सिस्टर। आज मैं पब में उसके साथ क्या करूँगी तुम देखना, कॉलोनी छोड़ के भाग जाएगा। देखो बहुत मजा आया। रुकिए। इनसाइड गोइंग पार्टी, आई एम गिविंग पार्टी। बिल बाहर भिजवा दूंगा मैं, आप जाइए। थोड़ा बगल में आओ, समझाता हूँ। हमें क्यों रोक दिया उसने? एकरा मतलब हम लोग का गेटअप ठीक नहीं है। तो अब क्या करें? 15 मिनट का टाइम दो, 15,000 रुपया कैश दो, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। हाँ क्या है? हमारा राजा है, क्या स्टाइल है उसका, क्या स्टाइल है। संभाल के भैया। आप चाहिए सर? कोई भी जन्मदिन पर गिफ्ट देते हैं या फिर ट्रीट देते हैं, लेकिन ये हमारा दोस्त हम सबको डांस दिखा के एंटरटेनमेंट करना चाहता है। He is Mr. सत्यनारायण माथुर from अमरावती। शाबाश, अपना ही आदमी है। मुझे अरे भैया उधर नहीं, इधर इधर संभल के। करेक्ट करेक्ट। किसका मारोगे तुम? क्या करोगे तुम? आजकल तुम निकम्मे हो गए, सुबह से इतना चिल्लाने पर भी रुपए नहीं कमाए। देख के ये 3 रुपए से गलत बातें वाला डालूंगा। क्यों मारते हो बच्चे को? तुझे मारूंगा तो तुम चुप रहोगे? तभी तो छोटी बच्ची को मार रहा हूँ। मेरी बात सुनो, छोटी बच्ची को मत मारो। एक मांगने को भेजा तो तू गुंडों को लाई हो मुझे। अगर वापस मारा तो तुझे खत्म कर दूंगा। नहीं तो इस छोटी सी जान को मार रहे हो, हाथ पैर तोड़ दूंगा। अरे पैसा नहीं, मर जाएगा कुत्ता। छोटी बच्ची पर हाथ उठा दे, मार डालूंगा। रो मत बेटी, आप कुछ नहीं कहेगा। आजा आजा बैठो। ना 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 ना, रोते नहीं बेटा। ना ना, नाम क्या है तुम्हारा? सरस्वती। सरस्वती? कौन से क्लास में हो? स्कूल नहीं जाती। स्कूल नहीं जाती? अरे रे, कोई दूसरा पढ़ाई ना करे तो कोई बात नहीं, सरस्वती खुद नहीं करेगी तो कैसे? हाँ सुनो, तुम कल से काम छोड़ के खूब पढ़ना, ओके? क्योंकि तुम बच्चों को काम नहीं करना चाहिए, तुम कोमल कलियां हो। हाँ देखो, तुमको खूब पढ़ना होगा, इंदिरा गांधी महात्मा गांधी महान लोगे ना, उनके जैसा बनना होगा तुम्हें, ठीक है? इस विषय में हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। रुको, लो इन रुपयों को रखो और खूब दूध वगैरह पी के सोना। लो इन रुपयों से कल सुबह पूरी सब्जी और दूध मलाई वाला पीना। परसों क्या करोगी? हाँ लो पूरे तुम रख लो। रख लो, खूब खाना खूब पढ़ना, काम करना छोड़ दो। सुनो, पकड़ो ये रुपए, सबके सब छुपा लो, नहीं तो वो उड़ा लेगा। हाँ संभाल के रखो मेरी प्यारी बच्ची। सुनो, अगर वो छीनेगा तो इस लकड़ी से उसके सर पर खूब मारना, तो कमीना मर जाएगा। हाँ तो आ जा बेटी, जा बेटी, अब कोई डर, जा बेटा, जा जा। कोई भी अगर छोटे बच्चे को मारेगा तो मेरा सीना चलता है। एक 6 साल की बच्ची को मारने का उनका मन कैसा किया होगा? मैं उसकी जिंदगी को बंदूक की गोली से छलनी कर दूंगा।
इन साले कुत्तों को मार डालूंगा मैं, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा हाँ, उसे मार डालूंगा। लोड़ी की आग में मैं पुराने सामान की तरह जला के भस्म कर दूंगा उसको। हरामखोर, संभल कर संभल कर, मेरी जान को मार डाला उसने। हे, उसका कीमा बनाऊंगा, उसे छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। मेरी जान को मारा जिसने, उसे मार डालूंगा, मार डालूंगा। ये क्या बैजू, मेरी जानवान कह रहा था, कौन है वो, किसे मारूंगा कह रहा था? लव फेलियर है कुछ ऐसे ही समझो। नाम क्या था? कविता। बहुत सुंदर थी? बहुत सुंदर। कितना पढ़ी है? दूसरी कक्षा। दूसरी? मार डालूंगा, मार डालूंगा, मार डालूंगा, नहीं छोड़ूंगा उसे, मार डालूंगा। तेज, और तेज मामा जी। बहुत मजा आ रहा है। यू आ गए। हाँ बेटे उतरो, खेत आ गया। देखो तुम्हारे पिताजी वहीं पर है, उतर जा। अरे मेरी माँ तुम्हारी माँ दोनों साथ आई हैं, क्या किया तुमने? क्या किया, पाठशाला छोड़ के इधर उधर घूम के टाइम वेस्ट करती है। हाँ हमारी बेटी स्कूल छोड़ेगी नहीं, तुम जो मुंह में आए बोल रही हो, असल में आज स्कूल होगा ही नहीं। हाँ मामा जी, स्कूल नहीं है, प्रॉमिस। क्यों नहीं है? क्योंकि स्कूल की चाबी खो गई होगी। नहीं मामा जी, हाँ? मास्टर जी मर गए हैं। ओहो, वो बेचारा तो कल भी ठीक ठाक था, मैंने उसे देखा था। आज भी वैसे ही हूँ माँ जी। इसका मतलब आप अभी मरे नहीं क्या? अभी तक तो नहीं, आप मरने को कहेंगे तो मर जाऊंगा। इसने फिर सपना देखा होगा। देखा मास्टर जी, हमने स्कूल जाने को कहा तो आप गुजर गए बोलती है। वैसे आप यहाँ कैसे? मैं तो सहानुभूति जताने आया था। क्या हुआ? आपकी माता जी गुजर गई बोल के कल स्कूल से छुट्टी लेकर आ गई है। क्यों माँ जी, आप तो ठीक ठाक है ना? मेरी माँ को भी मार डालेगी। अरे चल जाने दे, छोड़ना उसे। ओ चुप हो जा, चुप हो जा मेरी प्यारी बच्ची, तो सुधरेगी नहीं, पूरी अपने मामा पर गई है। भैया आप हमेशा इसका साथ देते हैं, ज्यादा प्यार से बिगड़ जाएगी। इस बच्ची को यहाँ रखेंगे तो ये भी अपने मामा की तरह हो जाएगी। सुनो माँ जी, एक म्यान में दो तलवार और एक पिंजरे में दो शेर शायद रह सकते हैं, मगर इस गांव में ये दोनों रहे तो मुश्किल हो जाएगी। ले मुझे, बहुत टेस्टी है। ओके। सत्या, बगल वाले घर में उनकी पोती को देखा? क्यों, क्या हुआ? जब देखो मम्मी डैडी वगैरह सब कुछ इंग्लिश में बोलती है, हिंदी में तो कभी बात ही नहीं करती बेटा। इसके लिए तुम क्यों परेशान होती हो? खींच कर सर पर एक मारोगी तो मार खाते ही हिंदी में माँ कह के चिल्लाएगी। कैसी किस्मत है। ले भैया, मुंबई में आपके जीजू के फ्रेंड्स की जान पहचान वालों का एक बड़ा स्कूल है। अरे इस उम्र में तुम क्या पढ़ोगे जीजू, क्या करोगे? मेरे लिए नहीं, अपनी कविता के लिए। बड़ा स्कूल है, वो भी इंग्लिश मीडियम है, वहाँ सीट मिलना ही बड़ी बात है। ऐसी भी क्या नौबत आ गई? ये बात नहीं है भैया, बहुत बड़ा स्कूल है, वहाँ बच्चों के लिए ग्राउंड है, पढ़ने के लिए लाइब्रेरी है और तैरने के लिए स्विमिंग पूल भी है वहाँ। लेकिन वहाँ मामा जी नहीं होंगे ना? आप कुछ बोलते क्यों नहीं भैया? मुझे पसंद नहीं। क्यों पसंद नहीं? इसे यहीं पर रखोगे तो बुद्धू बनेगी। वहाँ जाएगी तो बहुत पुस्तकें पढ़ने वाली पढ़ाकू बनेगी। क्यों? इंग्लिश नहीं आएगी तो कल बाहर जाके वो कैसे जी पाएगी? मेरे होते हुए उसे बाहर जाकर जीने की जरूरत क्यों पड़ेगी, यहाँ रहकर कुछ भी पढ़ लेगी। बाद में गोबर के उपले ही तो बनाएगी। प्राइवेटली पढ़ाएंगे हम। शादी कौन करेगा? जो मेरी 100 एकड़ जमीन है दहेज में देंगे। इसके बाद कोई भी अगर इस विषय में बात करेगा तो चमड़ी उतार देंगे। क्या बात है, मारूंगी। बड़ा जिद्दी है, अपने पिता पर गया है, किसी को बोलने ही नहीं देता। ए, मामा जी को क्यों डांटती हो? क्या अपने बेटे को डांट नहीं सकती क्या? शट अप। वाह 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 बेटी, अरे इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रही है और कहते हैं इंग्लिश स्कूल भेजना है। लो भैया जरा सुनो तो। बोलो बहना। वो कॉन्वेंट स्कूल बड़ा स्कूल है। तो एक काम करते हैं, जब तुम इतना कह रही हो और जीजू के जान पहचान वालों का भी स्कूल है, तो अपने पति को बोल के वैसा स्कूल हमारे गाँव में खोलने को बोलो, पैसा मैं लगा दूंगा। चलो बेटी। मामा जी,
मुझे लगता है मुंबई के स्कूल में भर्ती हो जाऊं। अब तुम्हें ये आइडिया क्यों आया बेटी? माँ रो रही है ना बेचारी। तुम चले जाओगे तो मैं रोऊंगा बेचारा। मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना जाऊंगी, एक हफ्ता वहाँ रहकर बैंड स्टैंड, गेट ऑफ इंडिया, जुहू बीच ये सब देखने के बाद एक टीचर को पकड़ूंगी और फिर जोर से उसका हाथ काट खाऊंगी। फिर वो कहेगा बाप रे बाप, ये लड़की हमें नहीं चाहिए। ये गलत बात है, ऐसा नहीं करते। पूरा जू देखने के बाद ही तुम काटना। एक्सक्यूज मी, दाखला किसका करवाना है? एक के लिए इतने सारे लोग? सब इसकी तरह बिना माँ बाप के थोड़े होते हैं। उनसे कहे लफड़ा करते हो? देखो भैया, बहुत अच्छा स्कूल है, यहाँ जॉब भी पढ़ा है, वो बहुत बड़ा डॉक्टर बना है, बहुत बड़ा इंजीनियर बना जो है। ना पढ़े तो ओकरा जैसे टीचर बन गए। कविता कविता, व्हाट इज योर नेम? कविता। इंग्लिश तो कमाल की बोल रही है। अरे इंग्लिश में वो पूछे है ये नहीं। कहाँ तक पढ़ी हो? सेकंड क्लास। सिक्स सिक्स इज हाउ मच? छः गुने छः कितने? 20। गुड, LKG में डालिए। नेक्स्ट। शाबाश, देखा कैसे फटाफट जवाब दे रही थी। कहाँ जवाब दिया, छः गुना छः पूछा तो 20 बोली, तभी तो दूसरे से निकाल के LKG में डाल दिया। जाने दो, सीट मिल गई ना। सीट का पूरा सोफा दिया है। दूसरी क्लास की लड़की को LKG में ज्वाइन होने को कहा है? ये तो होना ही था। सुनो, किसी और को नहीं, इसी के गले पर काट देना, तब मजा आएगा। ऐसा बात नहीं, अरे कुछ नहीं होता भैया, तुरंत हॉस्टल में भर्ती करा दे। इतनी जल्दी क्या है, जरा शहर घूमने दो। मामा जी, और जोर से। कविता जरा ध्यान से। और जोर से। ये। और जोर से। ओके। पूछिए कविता। कविता कविता कविता, क्या हुआ? अरे, बच्ची को मरे काफी समय हो गया, लगता है किसी पत्थर से चोट लगी है। बुलेट लगी है। डॉक्टर प्लीज। ये क्या है? पैसे। वो किस लिए? अरे बेकार में मैं उसे झूले के पास ले गया था, वरना ये सब नहीं होता। गलती पूरी मेरी है। अरे तुम ऐसे कहीं परेशान होते हो, थोड़ी देर में हंसते खेलते आ जाएगी बचिया। हमारे आदमी ने गोली मारी, कुत्ते की बिल्ले को मारना चाहा, मगर बीच में बच्ची आ गई। लेकिन तुम्हें अंदर किसने अलाउ किया? ये 5 लाख है डॉक्टर, लेना चाहो तो ले सकते हो, वरना तुम्हें खत्म करके इस एरिया के पुलिस इंस्पेक्टर को दे दूंगा। ये पुलिस केस है, मैं कुछ नहीं कर सकता। कर सकते हो, बहुत चोट लगी है, ऑपरेशन करना है बोलो, और 1 घंटा ऑपरेशन का ड्रामा करके मर गई है बोल दो। डॉक्टर साहब, अब कैसे, घबराने की बात तो नहीं? वो जी, सर पे चोट लगने के कारण ब्रेन हेमरेज हुआ है, वही ब्लड क्लॉट, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन कीजिए डॉक्टर, जितना भी खर्चा हो कोई बात नहीं, सब कुछ बेच के ले आऊंगा रुपया, प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। ठीक है ठीक है, पेपर्स भेजता हूँ, साइन कर दीजिएगा। दस्तखत कीजिए। ये किस लिए? कुछ नहीं भैया, ऑपरेशन करते समय दुर्भाग्य से कुछ हो गया तो जिम्मेदार नहीं। अब क्या कह रहा है? कुछ नहीं होगा भैया, सिर्फ फॉर्मेलिटी है, आप दस्तखत कीजिए। हेलो, सब ठीक है, मैं ग्रैंड रोड पहुंच रहा हूं। भैया डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब बच्ची को देख सकते हैं? आई एम सॉरी, मैं उसे बचा नहीं सकता। कविता
कविता भी दुनिया में नहीं रही, बस दिन गुजर रहे हैं, सब लोग भूल गए हैं, सिर्फ भैया नहीं भूले हैं। उसे भी खाने के लिए बुलाओ बेटी, जाओ। भैया कितने दिन हो गए, अब तो सभी भूल गए हैं उस हादसे को। मैं भी भूलने की कोशिश कर रहा हूँ पर क्या करूँ, भुला नहीं पा रहा हूँ। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं? ठीक हो साई, तुम कैसे हो? अच्छा हूँ। जब सब काम पूरा हो गया तो पूजा क्यों नहीं शुरू की? बच्ची को मेरे 10 महीने ही हुए हैं, कहते हैं कि 1 साल तक कुछ नहीं करते हैं। अब इसकी हालत कैसी है? बस ठीक है, वैसे बड़ा ऑपरेशन जो किया है जान बच गई। हाँ हाँ, वैसे इसे हुआ क्या था? सर में एक फोड़ा था। नमस्ते सत्य, कैसे हो? बस ठीक हूँ। बालाजी के दर्शन करके आए? नहीं आंटी, बेबी के डिस्चार्ज होते ही हनुमान जी के दर्शन कराऊंगा, मैंने मन्नत मांगी थी। बाल क्यों कटवा दिए? सिर का ऑपरेशन करवाना हो तो बाल तो कटवाने ही पड़ते हैं ना। हमारी कविता के ऑपरेशन के वक्त नहीं कटे। क्या आंटी आप भी, सिर का ऑपरेशन बिना बाल कटवाए कैसे हो सकता है? सच कह रहे हो? हाँ, बाल निकाले बगैर सिर का ऑपरेशन कैसे करेंगे आप बिना आंटी? मुझे लगता है किसी ने आपसे पैसे वसूलने के लिए झूठ बोला होगा। क्या? जी आंटी जी, आजकल पता है क्या हो रहा है, ये डॉक्टर लोग मरे हुए लोगों का भी ऑपरेशन करना है बोल के हमसे पैसे वसूल करते हैं। आप लोग भी यूं ही सब पर भरोसा कर लेते हैं। अरे इस तरह क्यों उठ गया, क्या हुआ इसे? जब से मैंने होश संभाला है तेरी पूजा करता आ रहा हूं, आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, बस आज मांग रहा हूं। लंका में सीता देवी को जब राम ढूंढ रहे थे तो तुमने सच बोल के राम जी की मदद की थी। हमारी बच्ची आज इस दुनिया में नहीं है, उसकी मौत का सच सामने लाने का मार्ग दिखाओ, मगर न्याय करो। जय बजरंग बली। प्लीज सिट डाउन। कहां दर्द है? यहां पर। कब से है दर्द? 10 महीनों से। इतनी लापरवाही क्यों की? किससे मिलो किसे पकड़ो पता नहीं था। प्लीज आइए, जरा जोर से सांस लीजिए। तुम्हें वजन उठाते वक्त कुछ होता है? नहीं। मुट्ठी इस तरह जोर से बंद कीजिए। कौन हो तुम? तुम्हें याद नहीं आया? मुझे देखो, ठीक 10 महीने पहले इन्हीं हाथों से हाथ जोड़कर विनती की थी मैंने, हमारी बच्ची को बचा लीजिए। ए मिस्टर, चुप कर। इन हाथों को मजबूर मत कर मारने के लिए। बोलो कविता कैसे मरी थी, बोलो। क्या सचमुच सर पर चोट लगने के कारण मरी? नहीं, 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 नहीं। या उसे बचा नहीं पाए मार दिया? फिर कैसे मरी थी वो, बोलो। उसे किसी ने गोली मारी थी, बच्ची के सिर में बुलेट था, लेकिन वो मेरे पास आने से पहले ही मर चुकी थी। तो फिर उस दिन झूठ क्यों बोला था? वरना वो उसी वक्त मुझे मार देता। मारने की धमकी थी? उसके पैसे को मैंने अभी तक हाथ नहीं लगाया। कौन कौन था वो जिसने धमकी थी? नाम नहीं जानता। कहां रहता है वो? फोन पर मैंने कुछ ग्रांट रोड सुना था। मार डालूंगा, नहीं छोड़ूंगा। साहब, नीचे वाले फोन पर सर का फोन है। सर है? ए, पकड़ो इसे, मैं अभी आता हूं। नमस्ते सर। श्रीलंका से मुद्गल ने पैसे भेजे हैं ना रामकोटी? मिल गए सर आपको। 2 करोड़ कम कैसे हुए? जी जी, मतलब वो डॉलर्स के रेट गिर गए ना सर। मैं पता लगा के आपको फिर फोन करता हूँ सर, इस पर कोई फर्क नहीं आएगा। मैं ख्याल रखूंगा सर। आइंदा ख्याल रखना। अरे रे रे बेचारी, नीचे जो बैठी हुई है वो कौन है सर? नौकरानी है। मेरी अंगूठी खो गई, इससे पूछने पर
नहीं मालूम कहकर झूठ बोले। परसों अशगर के अड्डे पर गड़बड़ हुई जी, वो इतनी छोटी सी बात बता के आपको। गलत बात है, पुरानी दास्तां है। तुम्हारे जैसे एक बलि नाम का राजा भारत में राज करता था। उसने एक छोटा सा फंक्शन आयोजित किया था तो एक बालक ने आकर 3 फुट जमीन मांगी। बच्चे को मना करना बोल के बलि ने हाँ कर दिया। उसने देखा कि उस बालक ने आकाश और धरती पर 2 कदम रखे, तीसरा कदम उसके सर पर रखे, दबाया तो राजा बलि उसके हाथों बलि हो गया। क्या ये भी भगवत गीता में है सर? नहीं भैया, विष्णु पुराण। एक काबिल डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहा है, सीरियल खूब चल रही है। उसका पता लगाओ रामकोटी, आखिर उससे असगर के बारे में किसने बताया पता करो। हे भगवान, ए जीवा जी, असगर के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन किसने दी तुम पता करो। ठीक है सर। जाओ। इधर आ। क्या है यार, रसूल कौन है? बताऊंगा तो क्या दोगे? मैं ही हूँ। ए डाल इसको अंदर। अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, अरे काले जा रहे हो। ले लो। थैंक यू। थैंक्स। कॉफी। वाह, कॉफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है बेटी। थैंक यू। मजा चाहिए, मजा आ जाता है। सही कह रहे हैं। इसमें शुगर कम है। अभी डाल देती हूँ। मेरी बेटी है इसलिए तारीफ नहीं कर रहा हूँ। ये आजकल की लड़कियों की तरह नहीं है, झुकाया हुआ सर नहीं उठा। गले में दर्द होगा शायद। मर्यादा। हमारा पालन पोषण ही ऐसा है ना, मैंने बचपन से जो इतना कुछ सिखाया है उसे। शुगर ज्यादा हो गई। थोड़ा प्रिकॉशन मिला देती हूँ। इसका बड़ों के प्रति आदर सत्कार, वाह वाह। तुम समझोगे बेटी की बड़ाई कर रहा हूँ, मुंह में तो जुबान ही नहीं है। बात है का? अच्छा सुनिए। बोलिए। बात करनी है। तुम नीचे रुको, हम बात करके आता हूँ। बोलिए। जो भी मेरे मन में आया मैंने वो सब कुछ लिख दिया, आप मुझे पढ़ के अपनी फीलिंग्स बताइए। अंकल एक मिनट। सत्या, तुम ऐसा क्यों किया? ये शैम्पू ठीक नहीं है क्या? मैं इसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। फिर अपनी जवां दिल को कलम बना के, सपनों को इंक बना के, इच्छाओं को अक्षर का रूप देकर मैंने प्रेम पत्र लिखा तुम्हें, और तुमने कम से कम उसका जवाब तो दिया होता मुझे। वो क्या हुआ कि मैं समझ गई सत्या, असल में तुमने वो खुद पढ़ा ही नहीं होगा। सच में नहीं पढ़ा? हाँ पढ़ा नहीं, सच बोलूं तो मुझे इंग्लिश नहीं आती। हाँ इंग्लिश नहीं आती? हाँ मैं 7वीं कक्षा तक पढ़ा हूँ। बाद में तुम स्कूल नहीं गए क्या? उसके आगे हमारे गांव में स्कूल नहीं था। क्या तुमको सचमुच इंग्लिश नहीं आती? नो। ओह सो क्यूट। संजू, मुझे फ्रेंच भी नहीं आती। नॉटी। क्या दीदी, बहुत पतली हो रही हो, ग्राहक नहीं आ रहे क्या? ज्यादा हो गए हैं रे। तभी तो इतनी चमक रही हो। सर क्या चाहिए सर? असगर कहाँ है बोलना। ए साहब के लिए चाय बोल। जरा कपड़े धोने का साबुन मंगाना। मैं ला देता हूँ दीदी। अब कहाँ रहा असगर सर, आपके डर से उसने एड्रेस ही बदल दिया। कहाँ चला गया वो? रामकोटी नाम का एक बड़ा सौदागर है, सबका माल वहीं से आता है सब बोलते हैं। मुझे पूरा यकीन नहीं है, बस सुना है सर, शायद उसी के पास पहुँच गया होगा।
वो कहाँ रहता है? नहीं मालूम सर। चाहे तो थोड़ा और टाइम ले लो। कसम से नहीं जानता सर। सर रसूल, रामकोटी से मिले तो वहां पर एक जीवन नाम का आदमी होगा, उसी ने सर। उसको मत छोड़ना सर, यही मेरा ही नाम होगा सर, उसे मत छोड़ना सर। स्टेशन इंस्पेक्टर साहब है क्या? ये क्या पुलिस को फोन लगा रहा है? वो आएंगे तो क्या बताएगा? गुंडागर्दी करते वक्त उन्होंने मारा कह के बोलेगा, गन बेचते वक्त उन्होंने खूब पीटा बोलेगा, एक छोकरे का पैर निकाल दिया तो मुझे मारा बोलेगा, या कुछ और बोलेगा? सच्चाई जान ले, तुम लोग समझ लो मैं क्यों मार रहा हूं। ठीक 10 महीने पहले विक्टोरिया पार्क में शाम के वक्त
झूले में झूलती एक बच्ची पर गोली चलाई। कुछ याद आया? भूल गया कहेगा तो खत्म कर दूंगा असगर। उस मौत का कारण चाहिए मुझे, उसके सर पर लगी गोली चाहिए मुझे, गोली चलाने वाली गन चाहिए, उस गन को पकड़ने वाले हाथ चाहिए, ट्रिगर दबाने वाली उंगली, निशाना लगाने वाली आंखें, उस तरीके की जान चाहिए मुझे। बोलो, मैंने नहीं मारा उसे, उस बच्ची का खून मैंने नहीं किया। फिर किसने उसे मारा? रामकोटी ने? जो भी हो उसे बोल देना, मार डालूंगा उसे मैं। मेरी भांजी को मारने के एक साल के अंदर, बिल्कुल एक साल के अंदर उसका नामो निशान मिटा दूंगा। 2 महीने का समय बाकी है, 60 दिन है, ट्राई करने दो, मुझे रोकने की पूरी कोशिश कर लेने दो, भाग सकता है तो उसे भाग लेने दो, ये सब ना हो सके तो मौत का इंतजार करने को। पता है क्यों छोड़ दिया मैंने तुमको? शेर का शिकार करते वक्त बीच में अगर कुत्ते भौंकने लगे तो समय नहीं बर्बाद करता मैं, जाओ। क्या प्रॉब्लम है? कुछ दिन पहले आपने छोटी बच्ची को मार दिया था ना सर? मैंने नहीं रामकोटी, हमने मारा था उसे। वही सर, हमने जिस बच्ची को मारा था उसका अपना कोई आ गया है। अभिमन्यु को मारने पर अर्जुन जैसे आया वैसे आया है। वो क्या है सर? महाभारत। हमारे आदमी कहाँ है? हॉस्पिटल में है, बहुत मारा है सबको सर। चलो वहीं पर। ऑपरेशन करने से बच सकता है वो, करीब 3 लाख खर्च होंगे, करवा दें सर। मरने पर उसकी फैमिली को 1 लाख दे दो। 2 लाख तो सेव होंगे ना? ये बात उसको किसने बताई होगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। कौन हो सकता है? असगर का बताना मुमकिन नहीं, पुलिस को यह बात पता नहीं, रंजन भी श्रीलंका में है, तो किसने बताया होगा? डॉक्टर, डॉक्टर। नेक्स्ट। टीवी, वीसीआर, सैंड बोतल, शराब बोतल। जी सर। ओके, टीवी छोड़ के वीसीआर ले जाओ, शराब बोतल छोड़ के सैंड बोतल ले जाओ। सर, डिसाइड करके साइड हो जाना चाहिए। नेक्स्ट। मेरे लिए क्या लाई हो? मतलब अमेरिका से मेरे लिए क्या लाई हो? कैमरा। ओहो, मिलने कौन आया है? डैडी। बढ़िया, कैमरा रखो और डैडी को ले जाओ। सर, नहीं तो डैडी को छोड़ के कैमरा ले जाओ। हेलो बेटी। हाय नीलू। हाय भाभी। वेलकम। हाय भैया। हाय डैडी। वेलकम। हाय मम्मी। बेटा, क्यों बहन, सफर अच्छा रहा ना? हाय आंटी। हाय स्वीटी। दुबली हो गई हो? बड़ी चिंता कर रही है, शादी नहीं हुई ना? आते ही शादी की बात करोगे तो मैं वापस चली जाऊंगी, देखो ना डैडी। इसकी बातों का बुरा मत मानो। अच्छा छोड़ो, मैंने तुम्हारे वास्ते 2 हैंडसम लड़के देखे हैं। डैडी। जोक कर रहा था बेटा। डैडी, मैं आपके लिए कैमरा लाई थी। कहाँ है? ये रहा। कैमरा कैसा है? बहुत अच्छा है। थैंक यू। ये क्या डैडी, स्पीड कम हो गई? उम्र जो होती जा रही है बेटी। पानी, पानी लाई हो बेटी? ओह सॉरी डैडी, कार में भूल गई, 1 मिनट में लेकर आती हूँ। ओके ओके। हेलो, मेरा नाम पशुपति है। 5 लाख तुमने लिए थे, किसी ने आकर पूछा कि उस बच्चे का खूनी कौन है तो टीवी के न्यूज रीडर की तरफ पूरा चिट्ठा खोल दिया। चल उससे बताया तो बताया, मगर ये बात तुम्हें तुरंत रामकोटी को बता देनी चाहिए थी, हम समझ जाते ना। तुम्हारी बेटी है, बेटी नीलू, 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 मेरी नीलू, नीलू, मेरी बेटी नीलू को छोड़ दो, इसे कुछ मत करो। तेरी बेटी को छोड़ दूंगा, बट ऑन वन कंडीशन। क्या है बोलो? इस पेड़ के 1000 चक्कर काटे होंगे, तू रुकेगा तो ट्रिगर खींच दूंगा। ठीक है, कमान। ठीक है, ठीक है, भागता हूँ। चलो चलो, कमान। भाग भाग। Come on, pass. Run, run. Come on, come on, all this.
थोड़ा रुकिए सर, ऊपर वाले की दया से मारने से पहले खुद ही मर गया वो, इसे छोड़ दीजिए सर। वैसे हमें महाभारत के जैसा मारना रास नहीं आएगा। मेरी बात मानिए, आगे से आप रामायण पढ़ के आइएगा तो काम पीसफुली हो जाएगा सर। हमको तो बंदूकें बेचने सर, ना कि अपनी बंदूकों से दूसरों को मारना है। पार्क में कुछ मत कीजिए सर। शहर के फ्लैट को छोड़ के इतने दूर फ्लैट काहे को लिया? यहाँ बैठने के लिए तो सोफा भी नहीं है। टीवी तो है ना? टीवी है। कंग्रेचुलेशन, बिजली नहीं है। चलो अपने फ्लैट में चलते हैं, चलो। इस शहर में मैं कोई काम करने नहीं आया, बदला लेने के वास्ते आया हूँ। मैं कहाँ हूँ अगर राम कोठी के आदमियों को पता चल गया तो वहाँ उन फ्लैट्स में रहना ठीक नहीं होगा। उन फ्लैट्स वालों के लिए ठीक नहीं होगा। मेरी वजह से उन्हें कोई नुकसान पहुंचे तो मैं सह नहीं पाऊंगा, इसीलिए यहाँ चला। मौत का कारण अभी तक पता नहीं चला। आज सुबह 6 बजे यह हादसा हुआ, ऐसा पुलिस वालों का कहना है। उनकी मौत के वक्त उनकी सगी बेटी नीलिमा वहाँ मौजूद थी, जो अमेरिका में बायोटेक्नोलॉजी कोर्स कर रही है। हाल ही में ये छुट्टियाँ मनाने इंडिया आई थी, ऐसा हमारे न्यूज ब्यूरो को उनके रिश्तेदारों ने बताया है। अरे फोन बज रहा है, एक मिनट। हम यहाँ पर आए हैं, क्या किसी को खबर है क्या? नहीं तो किसका हो सकता है? शायद इससे पहले जो लोग रहते थे उनके लिए होगा। एक मिनट। तुम कभी फोन मत उठाना। सिंग हो रहा है लेकिन कोई उठा नहीं रहा। थोड़ा वेट करते हैं यार। हेलो। क्यों रे? उसका एड्रेस तुम्हें मिला? हाँ मिल गया। कहाँ है? रोड नंबर क्या? हेलो हेलो हेलो। ए वो हमारे पीछे ही है। क्या कर रही हो? खाना बना रही हूँ। आज सब्जी कौन सी बनाई है? बैंगन का भरता। बैंगन का भरता? हाँ। मुझे बहुत पसंद है। कोई बात नहीं, बीपी नॉर्मल है, वही दवाइयाँ कंटिन्यू करो। ओके। कैंडी, कैंडी, कैंडी। ओके, चलता हूँ। थैंक यू। हेलो, एक मिनट, नीलू, ट्रेवल एजेंट का फोन है, टिकट कंफर्म करने के बारे में पूछ रहे हैं वो। तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ तो बेटर होगा, सबकी भलाई इसी में है बहना, वरना ये पुलिस वाले केस और इंक्वायरी वगैरह हम ये सब सहन नहीं कर पाएंगे। देखो ना, माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है, तुम इस बात को यहीं भूल के चली जाओ तो बहुत अच्छा होगा। चाहो तो ये सब कुछ शांत होने के बाद आ जाना। ठीक है, कन्फर्म कर दीजिए। कैंडी, कैंडी। नमस्ते। नमस्ते। आप? मेरा नाम सत्यनारायण माथुर है, मैं आपके पिताजी को जानता था। आइए। कैसे हुआ ये? हार्ट अटैक। उस समय आप उनके साथ थी क्या? हम दोनों साथ में ही जॉगिंग कर रहे थे। ये चोट कैसे लगी? जब मैं टैबलेट लेने गई तो स्लिप होकर नीचे गिर गई। ओह, जवाब भरोसे जैसा ही है। पुलिस वालों को भी यही बताया आपने? What do you mean? आप झूठ बोल रही हैं, ये मैं समझ सकता हूँ। आप नहीं समझ रही, आपके पिताजी को क्यों मारा यह मैं जानता हूं। किसने मारा है अगर आप मुझे बताना चाहे तो सच बता सकती हैं। इस नंबर पर फोन करें, मैं चलता हूं। कल किसी और को बताते वक्त थोड़ा बदल करके बताइए, वरना आगे गिरने पर चोट पीछे कैसे लगी पूछेंगे। हेलो। मैं हूं बेटी, परसों पार्क में जब तुम्हारे सर पे मारा था ना, मैं बगल में खड़ा था। बुरा मत मानना, नाम नहीं बताऊंगा। तुम चिंता मत करना बेटी, तुम्हें नहीं मारूंगा। असल में तेरे डैडी के मरने पे मुझे बड़ा दुख हुआ था। बेचारे ने फिर भी 100 चक्कर पूरे कर लिए थे, सिर्फ 900 चक्कर बाकी रह गए थे। किस्मत खराब थी उसकी, डॉक्टर था ना, शायद नेग्लेक्ट किया होगा। वैसे तुम दोस्त की बेटी हो, इसीलिए साफ साफ तुमको बोल रहा हूँ, कहीं तुम घबरा के किसी पुलिस वाले को डिटेल्स मत बता देना, वरना उस कुत्ते की जो हालत हुई है तेरी भी वही होगी। गॉड ब्लेस यू बेटी, बाय।
प्यार करती है? यस। क्या देखा उसमें जो प्यार करने लगी? उसमें जो मैंने देखा है वो तुम नहीं देखा। ए, क्या बोल रही है? जब देखो तुम्हें वही सोचता है। मैंने मन देखा है उसका। लेकिन बड़ा गंवार है वो। शहर वालों से तो वही बेहतर है। ओके रोजी, मैं पहुंचता हूं। और यहां तो एक से इजहार, दूसरी से प्यार और तीसरी से तकरार। और वही मेरा सत्या जो है वो उला भाला है, हमेशा साथ रहेगा, सपनों में भी दूसरी की तरफ आंख नहीं उठाएगा, लेकिन कार में तो जरूर घुमाएगा। सबकी तरह मुझे भी कोर्ट पुलिस कचहरी से डर लगता है, इसीलिए मैंने परसों आपसे सच नहीं बोला था। लेकिन वो लोग मेरे घर तक, मेरे किचन तक भी आ गए थे, मेरे प्यारे कुत्ते कैंडी को मारा। दो दिन से मेरे भैया की बेटी बहुत रो रही है, ऐसी हालत में कहीं भाग जाने का मन कर रहा है मेरा। ऐसी हालत में मेरा लड़ने को मन करता है। आप दुखी होंगे तो मैं सिर्फ तसल्ली दे सकता हूँ, मगर डरेंगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे डैडी को मारने वालों में से एक को मैंने देखा है। आज मैं कोर्ट में जाके बयान दूंगी तो काफी होगा ना? मेरे मामले में तो मैं ही कोर्ट हूँ, मैं ही जज हूँ, मैं ही जेल हूँ, मैं ही फांसी, मैं ही फंदा। आपको आदमी मालूम है, मुझे नाम मालूम है, ढूंढेंगे हम। आपका भय दूर होने तक, मेरा गुस्सा कम होने तक और उनके मरने तक ढूंढेंगे हम। ये वोटर्स लिस्ट है, क्या नाम बताया? रामकोटी सिंह। मुंबई में 2292 रामकोटी है। लेट्स सर्च। यही है एड्रेस। फ्लैट नंबर 1, नवनिर्माण नगर, अंधेरी ईस्ट, मुंबई। फोन नंबर? हेलो, कौन? रामकोटी सिंह जी हैं? नहीं है, आप कौन बोल रहे हैं? मैं उनके बेटे का फ्रेंड बोल रहा हूँ, आप कौन है? मैं ही उनका बेटा हूँ। तो ठीक है, मुझे अपना नाम बताएंगे प्लीज? क्यों भाई? मुझे आपने फ्रेंड कहा है ना, मुझे नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो याद रखना पड़ेगा ना, इसलिए। सत्यनारायण माथुर। माय नेम इज धनुष कोटी, सन ऑफ राम कोटी। ओके धनुष। ठीक है सीताफल। ए सुन, आइंदा तूने कभी सीताफल कहा तो आम की तरह निचोड़ दूंगा। ये क्या जी, आपने मुझे फ्रेंड कहा था ना? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तुम मेरे फ्रेंडो कहा था, लेकिन मैं तुम्हारा फ्रेंडो नहीं कहा ना? हाँ करेक्ट है जी, बेचारे को फील हो गया होगा। वो कौन है? रामकोटी का बेटा। हिंदी भाषा मातृभाषा है, 5 साल तक माँ की जरूरत होती है, और इंग्लिश बीवी की तरह है, 60 साल तक हमें उसकी जरूरत पड़ती है, इसलिए हम लोगों को इंग्लिश को भी कम नहीं समझना चाहिए। ओके, विल मीट नेक्स्ट क्लास। हेलो धनुष कोटी। यस आई एम, मे आई नो हु आर यू? कल तुमसे फोन पर बात की थी ना, तुम्हारा दोस्त। ओ माथुर साहब, आप इतने लोगों के बीच में आपने मुझे कैसे पहचान लिया? वो जूते पहन के भी एक लेस बांधा हुआ है ना, इसलिए। ओ तभी तो मैं सोच रहा था कि मेरा पैर क्यों फिसल रहा है। व्हाई? मे आई नो योर नेटिव प्लेस प्लीज? अमरावती प्लीज। ओहो, और तुम्हारा? मैं झुमरी तलैया से आई था। तुम यहाँ क्या इंग्लिश सीख रहे हो? नहीं, वही तो सिखा रहे हैं मुझे। क्या जोक है? अमेरिका जाना है तो इंग्लिश तो सीखना ही पड़ेगा ना। वैसे तेरी हॉबीज क्या है? सिंग, टीवी, रीडिंग बुक्स, टॉकिंग फ्रेंड्स जी, ईटिंग फूड, और जस्ट ओनली 6 टाइम अ डे। 6 बार? हाँ, इससे ज्यादा नहीं खा सकता सर। आपकी हॉबीज क्या है? हॉबीज कोई खास नहीं है मेरी, कभी कभी बोर हो जाता हूँ तो किसी को किडनैप करता रहता हूँ। किडनैप? हाँ, क्योंकि मर्डर थोड़ा रिस्की है ना, क्या बोलते हो? ठीक कहते हैं, एक्चुअली मर्डर से किडनैप भी ठीक है ना जी। लेकिन किडनैप करना मुश्किल है ना जी? अगर हम ठीक से प्लान करें तो काफी आसान है। किडनैप के लिए चाहे कितना भी प्लान कर ले फिर भी कठिन है ना सर। तुम्हें भरोसा नहीं है? तो देखो। अरे
आपने सीटी बजाई तो ऑटो आ गया। ऐसे भी देने पड़ते हैं, बजट कम है इसलिए ऑटो से काम चलाना पड़ रहा है, वरना मारुति वैन होनी चाहिए। हाँ जी, मैंने भी बहुत सारी फिल्मों में देखा है। हे, हु इज दिस? किसी को किडनैप करने के लिए मिनिमम दो आदमी चाहिए, ये दूसरा। सो ही इज हेल्पिंग यू? हाय, आई एम धनुष, राजू फ्रॉम बिहार। आप इतने स्मॉल हैं फिर भी स्ट्रॉन्ग लोगों को किडनैप कैसे करते हैं? काम मैं करता हूँ, ये सिर्फ देखता है। ओह एक्सीलेंट। हम लोग अब कहाँ जा रहे हैं जी? किडनैप हुए आदमी के सवाल का जवाब हम नहीं देते। ओह सॉरी सर, मुझे रूल्स मालूम नहीं थे। कम ऑन, हाँ चलिए चलिए, आराम से बैठिए जी। धनुष आओ, धनुष अंदर चलते हैं। आपने इतनी दूर घर क्यों लिया है जी? क्योंकि किडनैप करने के बाद अगर वो चिल्लाएगा तो किसी को सुनाई नहीं देगा। अरे बाबा, बाहर से तो किडनैपिंग सिंपल लगता था पर बहुत कठिन है सर। ग्रेट सर, जोर से बांधिए ना। थैंक्स जी। आप कुछ भी बोलिए सर, किडनैप करना इतना आसान है मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है। कहाँ है इजी सर, आपने कोऑपरेट किया तो बहुत आसानी से बिना शोरगुल के। कौनो दूसरा होता तो इतना आसानी से ऑटो में चढ़ता, चीखता, चिल्लाता, हमारा दिमाग खराब करता, लोग इकट्ठे होते। तब हमको उसे चाकू या गन से डराना पड़ता, बड़े परिश्रम का काम है। करेक्ट है जी। अब 4 o'clock हो गए, अब मुझे जाने नहीं। कहाँ जाएगा? अरे तुमको किडनैप किया है बुढ़बाट। पागल सा, मैं तो समझा आप यूं ही समझा रहे हो जी। तुमको मैं असलियत बताता तो आता क्या? मुझे किडनैप क्यों किया? आपका ग्रुप का नाम क्या है? हमारे ग्रुप का नाम है अब आओगे न जाओगे। हाँ मतलब अखिल भारतीय हिंदी बोलने वाला सॉन्ग। या अब से सब लोग हिंदी में ही बोलेंगे, मम्मी डैडी वगैरह नहीं चलेगा, हर कोई हिंदी बोलेगा। वो दिन आना चाहिए तब तक हमारी जंग नहीं रुकेगी, उसके बाद से हम किडनैप करते रहेंगे, त्याग भी करते रहेंगे। नथिंग कैन स्टॉप अस, वी कैन स्पेल एनी कॉन्सिक्वेंस, वी टेक दिस सॉन्ग टू नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल एंड यूनिवर्सल स्टूडियोस। बहुत हो गया शांति। आपके डिमांड्स क्या है? डिमांड नहीं, हमारी इच्छा पूछो। तुम्हारी इच्छा क्या है? तुम हिंदी में ही बात करोगे, इंग्लिश का उपयोग नहीं करोगे। यानी मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगा तो तुम मुझे छोड़ दो क्या? इंग्लिश नहीं रे, अंग्रेजी बोलो। सॉरी सर। ठीक है सर। तुम एक सर नहीं, साफ बोलो। देख रहे अरे कहाँ से आ गई? सत्या कहाँ है? सत्या घर में नहीं है, बाहर गए हैं। झूठ बोलना, लाइन को हिंदी में झूठ ही कहते हैं। अंदर क्या हो रहा है मुझे देखने दो। नामुमकिन। नामुमकिन क्यों? सब बताना पड़ेगा। किडनैप किडनैपर से किडनैप होने के बाद सवाल नहीं पूछता। अब आप इंग्लिश बोल रहे हैं। अंग्रेजी इंग्लिश तुम नहीं बोलोगे, आई कैन बोल सकता हूँ। एक तू मैंने बहुत ट्राई किया मगर रोक नहीं पाया। अरे ऐसा मत देखो, हमको बहुत गर्मी लग रहा है। अरे हमारा रुमाल कहाँ है? अरे इधर है। थैंक यू। कौन है ये? इसका नाम धनुष है। पापा का नाम रामकोटे। हम अंधेरी ईस्ट में रहते हैं। घर का नंबर है 1। यहाँ क्या कर रहा है? मुझे इन्होंने खेल रहे हैं। कैसा खेल? अब वो सब छोड़ो, तुम यहाँ क्यों आई थी? संजू सुनो, तुम दोनों खेलते रहो, मैं बाद में आकर खेलूंगा। संजू फोन कर देती तो मैं आ जाता। आओगी? बहुत बिजी हो गए हो ना? मैं इंटरनेट कैफे और लड़कियां। अच्छा वो लड़की तभी हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगी। संजू तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है उस लड़की के साथ। सच बताओ, मैं उसके माता पिता का नाम तक नहीं जानता। तुम बेवजह शक। मेरी माँ का नाम क्या है? तुम्हारी माँ आई एम रियली वेरी सॉरी। सब जानती हूँ मैं। आई संजू लेटेस्ट मॉडल है, अच्छा है। आप देखिए इसे। पिताजी मैं धनुष बोल रहा हूँ। ये क्या, इस वक्त क्यों फोन किया तुमने? कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ हो? फ्रेंड के घर में हूँ। इतनी देर तक बाहर बिल्कुल नहीं घूमते बेटा, घर जाओ। जी मुझे किडनैप करके मेरे हाथ पर बांध दिए पिताजी। क्या कहा? मैंने तुम्हारे बेटे के हाथ पर बांध दिए हैं। तुम कौन हो? हम तुम्हारे बेटे के किडनैपर्स हैं। तुम्हें क्या चाहिए? लास्ट ईयर अक्टूबर 15 को कहाँ थे तुम? अक्टूबर 15 को वो मैं सर जी के साथ था। उस दिन विक्टोरिया पार्क में एक छोटी सी बच्ची को गोली मारने वाला तू ही था ना? अरे राम राम, मैं नहीं। तो जिसे तुम सर कह रहे हो क्या वो था? मेरे सर सिगरेट तक नहीं पीते, छोटी बच्ची को क्या मारेंगे? जिसने भी उसे मारा हो वो कल सुबह मरोल के पुराने एल्युमिनियम फैक्ट्री में पहुंच जाए। वो शहर में नहीं है। कौन नहीं है? मेरे सर। सुबह वो नहीं आया तो तेरे बेटे को ऊपर भेज दूंगा। मेरा बेटा कहाँ है?
तुम्हारा सर कहाँ है? ए। सर क्या है ये? एड्रेस सर। जाओ पता लगाओ। जी सर। तुम इसके बॉस हो क्या? हाँ हूँ, क्यों? मेरे बेटे को किडनैप करके उसके द्वारा मेरे बॉस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है तू? है क्यों बेटा, बहुत दर्द हो रहा है? अरे तू मुझसे दांव पेच लड़ाने की कोशिश कर रहा है? मुझे तूने नमक मिर्च बेचने वाला समझ रखा है क्या? सुनो, गन्स बेचता हूं मैं। आने दे मेरे बेटे के पास से फोन, फिर देखता हूं मैं तुझे। क्यों धनुष, मिला तुम्हें? नहीं सर, इसने गलत पता दिया। पता गलत है? हाँ साहब, ये सांता क्रूज पुलिस स्टेशन का एड्रेस है। सांता क्रूज पुलिस स्टेशन का? उठ। कहाँ है मेरा बेटा? मैंने थोड़ी देर पहले बहुत कुछ बका था, वो सब मन में मत रखना। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देखते हो? तो इसको मार दिया? मार, मुझे मार, फेंक दो। फैन चलाऊं क्या? फैन चालू कर गधे। तुम ऐसे मत देखो, मुझे डर लगता है। ऐसे गलत एड्रेस देना तो गलत बात है ना? तुम सही आदमी दिखाते हो तो मैं सही एड्रेस बताता तुम्हें। वो मेरा बॉस ने कैसे पता चला तुमको? तुम्हें तो बताया था कि मेरा बॉस सिगरेट भी नहीं पीता। वो तो सूट बूट पहनकर चार महीना सिगरेट पी रहा था। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मेरे बेटे को तुम मत मारना, तुम्हें जो भी चाहिए बोलो। तेरा बॉस? अरे बाप, वो यहाँ पर नहीं है। मैं नहीं मानता राजा, जिंदगी में पहली बार सच बोल रहा हूँ। तुमने जिसे छुपाया उस बेटे की कसम खाता हूँ, मेरा बॉस अमेरिका में रहता है। उसे बुलाओ। मुश्किल है। ए, मार मुझे। तेरी तो, ये बोलेंगे तो तुम मार देगा। साहब को कुछ हुआ तो मेरे बेटे का क्या होगा? सुनो बबुआ, तुम जैसा चाहते हो मैं बॉस को ला तो नहीं सकता, दिखा सकता हूँ, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। रुको रुको। यस सर। नमस्ते सर, ये कोई मेरे बेटे को किडनैप करके आपके बारे में ना बताया तो मेरे बेटे को मार डालेगा बोल रहा है। कौन है वो? वो यही है। वो ये है सर। मुझसे क्या काम है? आपने वो जो पार्क में बच्ची को मारा था, ये उसके मामा है सर। तो क्यों मारा उसे? रामकोटी, उसे 15 लाख दे दो। हे, संगमरमर के पत्थर से समाधि बना ले। क्यों मारा तूने उसे? गन को टेस्ट करने के लिए मैंने गोली चलाई, बीच में वो आ गई, जान उसकी गई, काम मेरा हो गया। समझ गया ना? तुम क्या कर लोगे मेरा? प्लीज सर, इन्हें भड़काइए मत, मेरा बेटा इनके कब्जे में है। उससे क्या डरना रामकोटी, क्या कर लेगा तू, क्या कर लेगा मैं? जानता मैं कौन हूं? पशुपति। दुनिया के 17 देशों में टेररिस्ट ग्रुप्स को एमिनेशन सप्लाई करता हूँ। उन टेररिस्ट के हाथों में जो बंदूकें हैं वो मैंने बेची है। LTT वालों को मैंने ही ह्यूमन बॉम्ब बनाना सिखाया है। कंबोडिया में लगे अंडरग्राउंड माइंस मेरी ही फैक्ट्री में बने थे। कश्मीर में फटने वाले रॉकेट लॉन्चर मेरे ही गोदाम से निकले थे। अरे मेरे जैसे आदमी के हाथों तेरी भांजी की जान का चले जाना उसका सौभाग्य समझो। कहीं विदेश में बैठकर बातें करना बहादुरी नहीं, दम है मर्द है, तू तो सामने आ। आऊंगा तो क्या कर लेगा? अरे तेरे देश के नेताओं को सिर्फ मेरे पैसे चाहिए, अधिकारियों को मेरे दिए हुए ऐशोआराम चाहिए, नक्सलाइट्स को मेरी बंदूकें चाहिए, टेररिस्ट को मेरे बम चाहिए, और मुझे तेरे प्राण चाहिए। छुप जाओगे ढूंढ लूंगा, भागोगे तो पकड़ूंगा, सामने आओगे तो युद्ध करूंगा, लेकिन मैं तुझे मार डालूंगा। सूरज का पूरब से उदय होना जितना सत्य है, इस भूमि का गोल होना जितना सत्य है, ये सत्यनारायण माथुर का तुम्हारा खात्मा करना भी उतना ही सत्य है। शेर का शिकार और मुझसे खेल कोई नहीं करता। जो एक बार मैं शुरू कर दूं तो रोकना तेरे बस में नहीं। ए, क्या है तू, क्या कर लेगा? मैं तुझे मारूंगा, तेरे परिवार को मारूंगा, सबको खत्म कर दूंगा, मुझे टच नहीं कर सकता तू। Hey, मैं रावण हूं, देख मेरे 10 सिर हैं। मुझे मारना है तो हनुमान की तरह एक समुद्र नहीं 7 समुद्र पार करके आना होगा। आ सकता है तू? तू आएगा? तेरी तो मैं छोड़े ने, छोड़े ने। उनकी बातों पे मत जाइएगा। मेरा बेटा कहाँ है बता दीजिए प्लीज। प्लीज सर, बॉस को दिखाने पे बताऊंगा, बोला तो था।
बदलापुर, घर का नंबर 45। सच में क्या? इस पर सच ही बताया होगा आपने। थैंक्स। अगर मेरा बेटा वहां मिल गया तो यहां इसके टुकड़े टुकड़े कर देना। यही है उस घर का एड्रेस। चलो चलो जल्दी। हाँ, मुझे याद आया, किडनैप को हिंदी में अपहरण कहते हैं, है ना? ए, तुम ऊपर जाकर देखो। हाँ चलो। कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं आता। परसों किसी को ट्रेन को लहपतगामनी करना नहीं आया तो मर्डर करना पड़ा। ए, तू उस तरफ जाकर देख। हाँ। मेरी माता जी। ये क्या काम करते हैं? नहीं माता जी, मेरे हिंदी के मास्टर है माँ। दो दिनों से यही मुझे हिंदी सिखा रहे थे माँ, आज छोड़ दिया मुझे। थैंक्स जी, धन्यवाद आपको। गुड बॉय। अच्छा बालक। ए, इसकी आंखें बहुत अच्छी है, गोल गोल बड़ी बड़ी। मैं इन सलाखों को उसकी आंखों में घुसेड़ दूंगा, बहुत मजा आएगा मुझे। और तुझे क्या लगता है रे? इस रॉड को तुम्हारे मुंह में घुसा के इसके हाथ पैर तोड़ने का मन कर। तुझे ऐसा क्यों लग रहा है भाई? क्योंकि मैंने अपनी रस्सियां खोल ली है भाई, ये देखो। पर भी नहीं है, लगता है फिर रॉन्ग एड्रेस दिया। चलो। हेलो, इतनी देर क्यों लगा दी? बापरे, गया मेरा धनुष, चला गया, सब खत्म हो गया। सब भाग्यवान, जल्दी खोलो, जल्दी करो। अंदर आइए पिताजी। बेटा धनुष कुमार, तुम आ गए ना बेटा, तुमको कुछ नहीं हुआ ना? नहीं पिताजी। उन्होंने कुछ किया तो नहीं ना? मेरा राजा, मेरा जरा राजा। देखो पिताजी, उधर देखो ना। क्यों बेटा? सुनो बेटा, तुम अंदर जाके दरवाजा बंद कर लो। जाओ। ए, शिवा, चंगू, सलीम, कहाँ मर गए सबके सब? मारो इसे, मारो इसे। क्या हुआ तुम सबको? क्या हुआ? चक्कू, क्या हुआ तुम सबको? क्या हुआ तुम सबको? लुढ़क गए। बस तुम अकेले ही बचे हो। मेरा बेटा, राजा बेटा, मुझे मुझे छोड़ दो बेटा, मुझे कुछ मत करना। सच बताओ, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं? बिल्कुल तुम बेकसूर हो। गैर कानूनी तरीके से बंदूकें बेचना, एड्रेस बताने वालों के पैर तुड़वाना, बॉम्ब रखवा के लोगों को मरवाने जैसे उल्टे सीधे धंधे करवाना ही तुम्हारा काम है ना? वो सब गलत काम है, मैं मानता हूँ, लेकिन तुम्हारी भांजी को मैंने बिल्कुल नहीं मारा। तो देखा, मारते हुए तूने देखा था? 6 साल के मासूम बच्चे को बुलेट लगने पर कबूतर जैसे फड़फड़ाते वक्त तुम टीवी सीरियल देखने जैसे मजे लूट रहे थे कुत्ते। इतना आसान है क्या? ये तेरे सर को मौत कितनी भयानक होती है मैं दिखाऊंगा। पता दे वो कहाँ छुपा है। मुझे पता नहीं, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। उसका एड्रेस बताओ, छोड़ दूंगा तुझे। मुझे नहीं पता, भगवान की कसम। बताता हूँ, टेबल पर जो डायरी उसमें एड्रेस है। आपने कहा था कि मैं एड्रेस बता दूंगा तो आप मुझे छोड़ देंगे। मैं बात से बिल्कुल नहीं पलटता, लो छोड़ देता हूं। तुम सब कब? तुम 2 दिनों से गायब थे तो हमने इन लोग को इधर बुला लिया भैया।
बस करो बहना। क्यों बेटा ये सब? उन्होंने हमारी बच्ची को मारा तो तुम भी उन्हें मार दोगे? तुम भी अपराधी बनोगे? अपराध नहीं कर रहा हूँ, न्याय कर रहा हूँ। इन लफड़ों से अब हम क्या हासिल कर लेंगे भैया? मेरी बच्ची तो भगवान को प्यारी हो गई, अब वापस नहीं आएगी। सब छोड़ो और गांव वापस चलो। ध्यान से सोचो बेटा, उन्होंने गलती की है, अन्याय हमारे साथ हुआ है। अब तुम उनसे बदला लोगे, इससे तुम्हें कुछ हो गया तो। सबके बात छोड़ो, तुम उसकी माँ हो, तुम बताओ उसकी मौत की खबर से तुम्हें कितना दुख हुआ था, लेकिन जब उसे मारा इन दरिंदों ने तो तुम्हें कितना गुस्सा आया था? तुम बोल दो तो छोड़ दूंगा। सब लोग इसी वक्त वापस चले जाते हैं, छोड़ दूं? ये बात नहीं बेटा। प्लीज, इन हाथों से मैंने पाला उसे, इन्हीं हाथों से दफनाया। नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तो फिर नेक्स्ट वीक में जा सकता हूँ ना सर? 100%। थैंक यू सर। बैठिए। कहाँ जाना है उनको? चार्ली चैपलिन को देखने अमेरिका जाना चाहता है, वीजा अरेंज किया मैंने। क्या? चार्ली चैपलिन का तो हमारे बहुत टाइम हो गया है। सचमुच? ये बात उसे मत बताना भाई, ऑलरेडी 50,000 ले चुका हूँ मैं। भैया आओ। ये कौन है? सत्यनारायण माथुर, हमारे करीबी दोस्त। पढ़े लिखे हैं? बहुत पैसे वाले हैं, अमेरिका में इनके अपने खास रिश्तेदारों को अचार वगैरह भेजना चाहते हैं, यही ना? नहीं, इनको भेजना है वहाँ। भेज देंगे हम? तो फिर भेज दीजिए, ये भेज देंगे। चलो चलते हैं। पैसा पैसा कितना खर्चा होगा? निकाल। ओ, मैक्सिमम 50,000 और लो और 10। 60 नहीं, 1,00,000 से काम चला लूंगा, तुम जा सकते हो। चलता आखिर है। तुम जाना कब चाहते हो? आप जब भी भेजना चाहो। टिकट इजीली मिल जाएगा, लेकिन वो वीजा मिलना थोड़ा प्रॉब्लम होगा। आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? कोई बात नहीं, पूछिए। वीजा क्या होता है? आपको नहीं पता? ये भी नहीं जानते तो? एक मिनट भाई, एक मिनट रुको। अमेरिका जाना है तो उस देश का परमिशन लेना पड़ता है, उसी को वीजा कहते हैं। अच्छा, पासपोर्ट है क्या? जाके खिंचवा के आता हूँ। पासपोर्ट मतलब पासपोर्ट साइज फोटो नहीं भाई, ऐसा बुक है क्या? पासपोर्ट बनाने के लिए क्या करना है? अप्लाई करना है, नहीं तो मुझे 10,000 और दे दो, काम करवा दूंगा, 1 सप्ताह में अरेंज करवा दूंगा। और हमें वीजा कैसे मिल सकता है? इंजीनियर या MBBS हो तो मिल सकता है। अरे तो क्या अब हम MBBS कर सकते हैं? अरे भैया, तुम तो 1 हफ्ते में कर सकते हो, बोल दो। देखिए भाई साहब, मैं MBBS करने की सोच रहा हूँ। MBBS पढ़ोगे तुम? अरे क्या मजाक कर रहे हो भाई। अरे बोलो तो, किसी का वीजा चुरा के ले आते हैं? दोनों अंदर हो जाओगे। वीजा नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, पढ़ाई भी नहीं है, वहाँ जान पहचान का भी कोई नहीं है। अमेरिका जाना है तुमको, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं भेज सकता। इनसे नहीं होगा? चलो चलो, रुको एक मिनट, रुको भाई, मुझे जरा सोचने का टाइम तो दो। सोचिए। तुम्हारी शादी हो गई? वही एक रास्ता है। क्या है वो? बोलूंगा तो मुझे मत डांटना। अरे नहीं डांटेंगे, हमारी गारंटी है। ग्रीन कार्ड एक होता है। हमारे पास ऑरेंज कार्ड है। अरे ऑरेंज या व्हाइट कार्ड नहीं यार, अमेरिका में काफी समय से रहने वाले विदेशियों को वहीं पर हमेशा के लिए रहने को परमिशन देते हैं, वो उसी का नाम ग्रीन कार्ड है। ऐसी ग्रीन कार्ड वाली कोई लड़की तुम्हें मिल जाए तो शादी करके उसी लड़की के साथ अमेरिका जा सकते हो। राशन कार्ड वाली लड़की को तो पकड़ सकते हैं, लेकिन ग्रीन कार्ड वाली को कहाँ ढूंढेंगे? अब ढूंढना तो पड़ेगा ही। पागल हो गए हो क्या आप? इसे कोई गेम समझ रहे हो क्या? शादी है, टू बिग टू प्ले विद। मैंने प्यार करके शादी करने वाले लोगों को देखा है, लेकिन किसी से बदला लेने के लिए यूं शादी करने की सोच रहे हैं, एक आप ही को देख रही हूँ। अरे जैसे कोई थोड़ी देर के लिए मेरा सूटकेस पकड़ लो कहता है, उतने आसानी से 1 हफ्ते के लिए मेरी बीवी बनोगे पूछ रहे हो? हाँ, रेडिकुलस। मौत शादी जैसी बातों पर किसी को कभी भी जोक नहीं करना चाहिए। मुझे गुस्सा आ रहा है और आप हंस रहे हैं। दया आ रही है। पिता को आंखों के सामने मारने वाले को आसानी से भूल जाएंगे। रजिस्टर ऑफिस में आकर छोटा सा दस्तखत करने को कहा तो मुझ पे गुस्सा हो रहे हैं। उसे गुस्सा आ जाएगा सोच आप डर रही हैं। आपके पिल्ले पर गोली चलाने जैसा कहीं आप पर भी ना चला दे सोच के कांप रही हैं। छोड़िए, आप क्या मेरी मदद करेंगी? ऐसी बेकार जिंदगी जी लीजिए। ऑटो वाले ने चेंज नहीं दिया, सिनेमा हॉल के पास लंबी लाइन लगी है, फेयर एंड लवली क्रीम के रेट्स बढ़ गए हैं, ऐसी बेकार बातों में ही आक्रोश दिखाते हैं। अगर समय मिले तो इंग्लिश मैगजीन्स में बड़े बड़े लेख लिखना शुरू कर दो। अपने डर को बाहर वालों से छुपाकर पढ़ाए वगैरह नाम से जिंदगी यूं ही व्यतीत कर लो। उसको तो मैं खुद ही देख लूंगा, अमेरिका में ही नहीं,
पाताल में छुपा होगा तो भी मार डालूंगा। मुझ में आप जैसे पिता के कातिल को भूलकर जीने के ख्यालात नहीं है और ना ही सहन करने की शक्ति। यानी उसने गलती की तो हम भी गलती करें क्यों? भगवान राम जी ने भी वाली को पेड़ के पीछे से छुपके मारा था। आगे से मारना उनके लिए मुश्किल नहीं था मगर मार न सके। कभी कभी भलाई से रहना भी नालायक का रूप दे देती है। उसी वक्त बुरे रास्तों पर चलकर भी भलाई का साथ देने का मन करता है। मैं जो काम कर रहा हूँ वो भी वही है। चाहे कुछ भी हो मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। छोड़िए ना। अच्छा छोड़ो, मैंने तुम्हारे वास्ते दो हैंडसम लड़के देखे हैं। डैडी जोक कर रहा था बेटा। मैम साहब टाइम क्या हुआ है? 10 बज रहे हैं। मैं नहाने जा रही हूँ, थोड़ी कॉफी बना दो। ठीक है मैम साहब। आप? आपकी मैम साहब ने बुलाया मुझे, वो है क्या? नहाने गई है, बैठिए। और कौन कौन है? बाकी सब लोग तो काशी गए हैं। जी तुम क्या कर रही हो? कॉफी बनाने जा रही हूँ। एक काम करो। बोलिए। उसमें से आधी कॉफी मुझे भी दो। ठीक है साहब, बैठिए। ठीक है। इंग्लिश है हमारे लिए बेकार। पद्मा मैं देखती हूँ कौन है। आप? मेरा नाम संजना है, आपसे कुछ बात करनी है। प्लीज कम, बैठिए। क्या बात करनी है? सत्या के बारे में, वो यहाँ आया है क्या? नहीं तो? आप कुछ बोल रही थी? सत्या को बहुत चाहती है एक लड़की। वेरी गुड। लेकिन आजकल वो कुछ बदल सा गया है। पहले जैसे बातें नहीं करता वो, मुझसे कुछ बताता नहीं वो, हमेशा कहीं और खोया रहता है वो। लेकिन मेरी तो आंखों के सामने ही रहता है हमेशा वो। देखिए तब भी मुझे वो आपके बगीचे में टहलता नजर आ रहा है। वहां तो कोई नहीं है। आपको दिखाई नहीं देगा, मुझे दिखाई देगा, वही तो प्यार है। ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? सच में आपको कुछ नहीं पता, तो मैं किस्मत वाली हूँ। लेकिन अगर आप अनजान बनने की कोशिश कर रही हैं तो? देखिए आप जो ये सब बोल रही हैं मेरी समझ से बाहर है। समझ में ना आए तो अच्छा है। अगर सत्या दिखाई दे तो बोलिए, उसी के इंतजार में एक पागल लड़की जी रही है। कौन है वो लड़की? मैं। सुनिए। आप कब आए? काफी देर हो गई मुझे, नहा रही थी बोला था इसलिए वहाँ घूम रहा था। कौन आया था यहाँ पता है? कौन? संजना। संजू वो क्यों आई थी? वो अरे अभी तुम्हारे बारे में। डोंट टच मी। ऐसा क्यों? इसका मतलब इनके लिए बनी कॉफी मुझे दी आपने, जब बिना बताए दो कॉफी लेकर आई। वही डाउट हुआ था मुझे। डाउट क्या? डाउट कैसा? तुमने इनको घर में छुपा के अनजान की तरह नाटक जो किया मेरे साथ। नाटक से क्या मतलब? मुझे गालियाँ देनी नहीं आती इसलिए सिर्फ बात कर रही हूँ। सॉरी, आपके अच्छे मूड को मैंने खराब कर दिया। प्लीज कैरी ऑन। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। संजू सुनो, संजू मुझसे बात मत करो। संजू प्लीज मेरी बात सुनो। स्टॉप मी। तुम्हें रुकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम जो ले जा रही हो वो इनका बैग है, तुम्हारा बैग वहाँ है। मैंने तो सोचा मुझे प्यार से रोक रहे हो। लीजिए अपना बैग, तुम दोनों मिलकर खूब मस्ती करो, घूमो। ले लो। संजू तुम जैसा सोच रही हो वैसा हमारे बीच कोई संबंध नहीं। सच में? कसम से, बस हम शादी करने की सोच रहे हैं। मैरिज? तुम्हें भी आना होगा। यानी शादी? चर्च में शादी है। संजू सब कुछ मानने को तैयार है मगर मंगलसूत्र वादा तो हाथ काट दूंगी कह रही थी। देवी है, ऐसा तो कौन करता है। क्यों रो रही है? ये तो झूठ मूठ की शादी है, ऐसे ही बड़ों को बिना बताए कर रही हो क्या? बेचारी, इस वक्त इसकी माँ बगल में होती तो अच्छा होता। चुप हो जा बेटी, एक आध बच्चा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। ये दुल्हन है। फिर ये लड़की क्यों रो रही है? ये मेरी प्रेमिका है, इसको ये शादी पसंद नहीं। प्रेमिका को बगल में रखकर तुम दूसरी लड़की से शादी कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? गवाह नहीं है ना? गवाह के दस्तखत करने के लिए दूसरा कोई नहीं मिला इसके लिए ये। ओ जीसस।
गॉड ब्लेस यू माय चिल्ड्रन। मिस नीलिमा, सत्यनारायण नाम के आदमी को पति स्वीकार करना मंजूर है तुम्हें? आई डू व्हाट? आई डू, आई डू। ओके, हाँ, नीलिमा नाम की इस लड़की को पत्नी स्वीकार करना तुम्हें मंजूर है ना? संजू, ये चिल्ला क्यों रही है? रो रही है। ये आंसू खुशी के हैं या दुख के? भाई के। आखिर कौन है ये लड़की, फ्रेंड है या नेबर है? लवर। तुम ये जानती हो? इसी ने इसको मनाया है। अब अंगूठिया तो लाओ ना। लेकर आओ। उन्हें बदल कर आइंदा मुझे कभी नजर मत आना। प्रभु जिन्हें जोड़ते हैं उन मनुष्यों को कोई जुदा नहीं कर सकता, ये प्रभु का कहना है। अंगूठियां बदलो। सिस्टर, मेरे लिए थोड़ा अमृतांजन भेजो, देखते क्या हो। अंगूठियां बदलो। Now I declare you man and wife. तुम मत रो। You may kiss the bride. No! तुम जिसे चाहते हो उसे नहीं, सिर्फ दुल्हन को ही किस कर सकते हो। ओहो, अब तो यकीन आया। ठीक है, पहुंच जाऊंगी। मुझे छोड़ दोगे ना? काम हो जाने दो, बस छोड़ दूंगा। कसम से? कसम से, और नहीं तो क्या? उसके साथ घर बसाऊंगा क्या? जानबूझ के तुम्हें छोड़ के कोई उसके साथ घर बसाएगा? पतली दुबली सी, अरे जरूरत थी इसलिए शादी की मैंने। सच? अरे उसका चेहरा देखा है तुमने? उसकी आंखें तो थम्स अप बॉटल के ढक्कन की जैसी लगती हैं, लिप्स जींस पैंट की जिप की तरह है। और तो और, कोई पागल ही होगा जो उसके पीछे भागेगा तुम्हें छोड़कर, और वो मैं नहीं हूँ। अरे टिकट। सुन लिया होगा। दो कॉफी। मुझे नहीं चाहिए। मैंने तो हम दोनों के वास्ते मंगाई। थैंक्स। हेलो। आप लास्ट टाइम आप मेरे लिए यूएस से कैमरा लाए थे। मैं नहीं लाई थी, आप ही ने मार लिया था। इसका मतलब पहले कस्टम्स में थे? कस्टम्स में कष्टों में आ गए। हाँ, मेहनती लोगों के दिन गए सर। मुझे सब लोगों से फ्रेंडली रहने की आदत हो गई है। वो एक बार ऐसे ही एक लड़के से वीडियो कैमरा गिफ्ट मांगा और ले लिया। उसने मेरे हाथ में कैमरा देकर जेब वाले कैमरे से शूट करके चैनल वालों को इन्फॉर्म कर दिया और ऊपरी ऑफिसर ने मुझे ये यूनिफॉर्म दे दिया। निकाल दिया? बाहर का रास्ता दिखाया। चेंज दिया नहीं? आदत नहीं। लेट्स गो। सत्या, हनीमून पर? हाँ। वो क्या लगती है? मेरी बीवी। और ये? होने वाली बीवी। आपको यहाँ नहीं बॉस, अमेरिका में होना चाहिए। अभी वही जा रहा हूँ। जल्दी जाओ। दिस वे प्लीज। सो नाइस ऑफ यू। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। नमस्ते, नमस्ते। आप मुझे पहले से जानती हैं? एक्सक्यूज मी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मे आई हेल्प यू? उसको देखो, उसको नमस्ते बोलती है। बहुत तेज लग रही है। क्यों नीलू, सीट ठीक है ना? बहुत पैसे देकर खरीदी है। ये क्या, बीवी को बुलाने जैसे बुला रहे हो? जबान संभाल के। तुम गुस्से में क्यों हो? बात मत करो। पतली दुबली हो तुम, जैसे बहुत सुंदर हो। सब विस्की और रम? औरतों के सामने मैं नहीं पीता। मैम, विस्की। बाप रे। सर, इंडियन हाई कमीशन वाले एफबीआई को साथ लेकर आपके पास आ रहे हैं। सॉरी सर, आई कुडंट स्टॉप देम। मिस्टर पशुपति, एफबीआई को इन्फॉर्मेशन मिली है कि तुम इनलीगली गन्स बेचते हो। तुम पर चार्जशीट फाइल किया जाता है। मैं और गन्स बेचता हूँ? मैं मेयर के इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ और शायद इसलिए मुझ पर कोई जानबूझकर बैड प्रोपेगेंडा कर रहा है। सर, सर, मैं राम बोल रहा हूँ। उस हत्या की वजह से मियापुर में हमारे चार लोग ब्लास्ट हो गए। पुलिस वाले वो आरडीएक्स था पहचान गए। कल तक मैं जेल में था और आज बेल में हूँ। आपके लिए भी डेंजर है सर। आप बात क्यों नहीं कर रहे सर? वो सत्या साला यहाँ से ऑलरेडी अमेरिका के लिए रवाना हो गया। हमने जिस डॉक्टर को मारा था उसी की बेटी उसे लेकर वहाँ आ रही है। सर, आप जरा होशियार रहना सर। ओ, डोंट वरी, विल टेक केयर ऑफ यू। आई एम सॉरी पशुपति, तुम्हें इलेक्शन से नाम वापस लेना होगा। इसी वक्त से तुम्हारा बिजनेस, बैंक अकाउंट सब कुछ सीज कर रहे हैं हम। यही नहीं, इस बिल्डिंग से एक भी पेपर बाहर नहीं जाना चाहिए। From this moment, this property will be under the surveillance of United States of America. Let's go, officers. अमीन, सर, मुझे एक बड़ा बम चाहिए। सर,
वो इतना पावरफुल होना चाहिए कि इस बिल्डिंग के फटने के बाद FBI के अफसरों को यहाँ पर कुछ नहीं मिलना चाहिए, समझ गए तुम? ओके सर। इट्स एन इमरजेंसी बॉयज, पैक एवरीथिंग, गन्स, डॉलर्स, पासपोर्ट, सोना, सब कुछ, सब कुछ, कुछ नहीं छोड़ना यहाँ पर। उन्हें कुछ नहीं मिलना चाहिए, कुछ नहीं मिलना चाहिए हमारे यहाँ से जाने के बाद। बी अलर्ट, ओके सर। अंकोटी ने जी सत्यनारायण माथुर का एयरपोर्ट के पास अपने कुछ लोगों को रखो। ओके सर। बैग मुझे दे दो। कोई बात नहीं। दो ना। कोई बात नहीं, मुझे यहाँ तक लाई हो तो तुम्हारा बैग मैं वहाँ तक नहीं ले जा सकता। मेरा बैग मुझे दे दो। तुमको किसी पर गुस्सा आ रहा है? और किसी पर नहीं, आप पर। क्यों जी? मेरे लिप्स जीन्स पैंट के जिप जैसे हैं, हाँ? मेरी आंखें थम्स अप बॉटल के ढक्कन जैसी है, हाँ? मुझे देखकर दया आती है तुमको। आई हेट यू। तुम्हें देखकर मुझे नफरत हो रही है। जो मैंने वहाँ बोला तुमने सब सुन लिया? इस तरह दूसरों की बातें सुनना गलत है। और तुमने जो बोला वो गलत नहीं था? वो क्या है कि उस समय मुझे कुछ ऐसा ही लगा। अब तुम्हें देखकर मुझे वैसे ही लग रहा है। अरे ये हमारा मैरिज सर्टिफिकेट है। नो, सुनो। डोंट टच मी। अपना चेहरा मुझे फिर मत दिखाना। इस शहर में तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो, नथिंग। ओके मैडम, थैंक यू। वो तुम्हें जानता है? क्यों बुलाऊं उसे? अगर मेरे पीछे आओगे तो उसे बोल के तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगी, समझे? अरे सुनो, हेलो। ओ शिट, जी हाँ, और आप? हिंदुस्तानी? अरे अरे रे 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 रे, कंट्रोल 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 योरसेल्फ। भैया इस विदेश में फिर से किसी हिंदुस्तानी को देखूंगा? बस इतने इमोशनल मत हो भाई, क्या हुआ बताओ? अभी अभी मैं अपनी बीवी के साथ अमेरिका आया। ओ, शादीशुदा हो? हाँ, दो दिन पहले हुई जी। हनीमून पर आए हो? हाँ जी। फिर वो कहाँ गई? अभी अभी तलाक देकर चली गई। तलाक? हाँ। वो क्यों? क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती ना। ओ कम ऑन, चुप हो जाओ, फिक्र मत करो, ये अमेरिका में होता रहता है। दरवाजे में कुंडी न लगाना, गैस पर कॉफी रख के भूल जाना, कुत्ते को नहीं बांधना, ऐसी छोटी छोटी बातों में तलाक दे देते हैं। बैठो। कहाँ जाओगे? ओ कोई नहीं है, होटल वगैरह में चले? ओ आई एम सॉरी, मेरे घर चलते हैं। दैट्स बेटर। भैया मेरा नाम सत्यनारायण माथुर है, सब प्यार से सत्या बुलाते हैं। मेरा नाम शांति स्वरूप है, सब शांति बुलाते हैं। क्या चाहिए? शेक हैंड, शेक हैंड। यहाँ नाश्ता वगैरह मिलेगा क्या मुझे? सत्या भाई, केला खाओ। ओ मैं नासिक का हूँ, 30 साल मैं वहीं पर रहा। मुझे बचपन से ही ये झगड़ा मारपीट पसंद नहीं। बॉम्ब से बहुत डरता हूँ, किडनैपिंग से तो दूर भागता हूँ, मर्डर से पीछा छुड़ाता हूँ। तभी तो इन सब से परेशान होकर यहाँ चला आया। अच्छा, ये शहर आपको कैसा लगा? यहाँ पर बहुत अमन चैन है, इट्स अ फ्री कंट्री यू नो, यहाँ पर हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। ए, उसे बाहर मत डालो, हमें अंदर डाल देंगे। हाँ वेरी गुड, यहाँ पर हम जैसे चाहे जी सकते हैं। हेलो, इतना भी मत झांको, केस कर देंगे। यस, मैं भी जब नया नया आया था तो एक लड़की को आंख मारी तो उसने मुझ पर केस कर दिया, प्रॉमिस। प्यार कर रहे हैं, घर बार नहीं है शायद। बेचारे। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, वेरी फ्रेंडली पीपल। हाय। वो उंगली, मतलब उसके नाखून पे चोट आई है, इस तरह सबको दिखाने से कम हो जाएगी वो सोचते हैं। ऐसा क्या? कॉलोनी बड़ी शांत है भैया। वैसे ही सिक्योरिटी बहुत टाइट है, कहते हैं कि पूरे अमेरिका में यही सेफेस्ट प्लेस है। लेकिन रात के 8 बजे के बाद बाहर मत घूमना, ठंड लगती होगी। भय लगता है। पैसों के लिए गोली मार देते हैं, यहाँ पर ऐसी वारदातें होती रहती हैं। 8 से पहले किस्मत, 8 के बाद बदकिस्मत। यहाँ के चोर चक्के भी इतना टाइम मेंटेन करते हैं। अरे बाप रे, मेरा बैग। हेलो नीलू, ये 10वीं बार है जब भी मैं यहाँ इंडिया से आती हूँ, आप कभी भी वक्त पर मुझे रिसीव करने नहीं आते। बात क्या है चाचा जी? इस बार तो मैं बिल्कुल सही समय पर पहुंच गया था, पर तुम घर आ गई। ठीक है, अब छोड़िए भी। सत्या भाई, सत्या। क्या बात है?
ये मेरी भतीजी है मिस नीलिमा। ओह सत्या भैया। क्या है अंकल? अब तक तो भैया कहा था। बेटी के अंकल तो मेरे भी। कौन है ये? मेरा फ्रेंड। सत्या प्यार से। बेचारे के शादी हुए 2 दिन हुए और तलाक हुए 2 घंटे। इंग्लिश नहीं आती इसलिए छोड़ के चली गई। ये बात नहीं है। वैसे आजकल की लड़कियां तो। वो कुछ बताने वाले थे, अब बताइए। आप जिसे चाहे घर ले आते हैं चाचा जी, कुछ आगे पीछे तो देखा कीजिए। और क्या देखूं? बीवी ने छोड़ दिया पता चला तो घर ले आया। कितना भोला है। ओके आई विल टेक इट। यहाँ क्यों आए हो? ये तुम्हारा घर होगा नहीं जानता था। अब तो जान गए हो, जाओ। दूसरा घर नहीं है मेरा। तो फिर किस होटल में जाओ? रास्ता नहीं मालूम। गो टू हेल। वो भी नहीं जानता। तुम क्यों इस तरह मेरे पीछे पड़े हो? आखिर तुम्हारा मेरा संबंध क्या है? वो तो नहीं निकलेगी। सत्यनारायण अंकल जी, बहुत थक गए होगे, तब बात करना चाहोगे? क्या है? अरे गर्म पानी से स्नान। जी अंकल जी। नीलिमा हाँ? सत्या के लिए टब में गर्म पानी भर दो। गर्म पानी चाहिए? तुम्हें मैं अभी दिखाती हूँ। अरे अब तक नहाए नहीं क्या? नहीं अंकल जी, आप चाहो तो पहले नहा लो। मुझे कोई जल्दी नहीं बेटा, आप बुजुर्ग हैं, पहले आप। तुम्हारी रिस्पेक्ट मुझे बहुत पसंद है। थैंक्स। संभल के। ओके 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 ओके। अब पहले आपको ये गरम गरम चावल परोसूं? कुछ दिनों तक गरम चीजों से दूर रहूं तो ही बेहतर होगा मुझे लगता है बेटा। ओए मैं तो यूं ही कह रहा था। आइए चलो चलो, पता नहीं कितने लोग हैं। बाप रे क्या स्पीड चलाते हो, पहले तुम हवाई जहाज चलाते थे क्या? ट्रैक्टर चलाता था। जो भी हो जरा ब्रेक मारो भाई, इसके लिए जा रहे हैं। वही ढूंढ रहा हूँ मैं, दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं कहाँ है। भैया नींबू नहीं चढ़ो, काम हो जाएगा। उसके नाखून में चोट है। सत्या बेटे। हाँ अंकल। वैसे वो गुंडे कौन हो सकते? हमें क्या मालूम, अमेरिका में कब से रह रहे हो तुम्हीं को मालूम होगा। मुझे घर में उल्टे सीधे लोगों को लाएंगे तो इसी तरह का हंगामा होगा ना। असल में बूढ़ी बहुत सुंदर है जी। इंग्लिश ही नहीं आती तो लफड़े कहाँ से करेगा बेटा। अंकल जी आपका किसी से लफड़ा हुआ था क्या? कब से सोच रहा हूँ कुछ याद ही नहीं आता। हाँ? कोई बड़ा लफड़ा तो नहीं हुआ। हाँ? लेकिन सुबह सुबह अंडरवियर खरीदने एक शॉप में गया था मैं, उसे रेट कुछ ज्यादा बताया तो थोड़ी बहस हुई थी। इतना बड़ा लफड़ा किया आपने? जानते हो एक अंडरवियर का $5 मांग रहा था वो। आपने खरीदा क्या? मैं क्या पागल हूँ? हाँ? तू जो कर सकता है कर ले बोल के चला आया मैं। अंडरवियर की वजह से आफत मोल ले ले। इतनी सी बात के लिए हंगामा करेगा क्या? बोल नहीं सकते, गोरे लोग है ना। अब मैं अंडरवियर ही नहीं पहनूंगा, प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ओह माय गॉड वो लोग आ रहे हैं। क्यों बेटी वही है क्या? सॉरी नीलिमा, सॉरी सत्या, मेरी वजह से तुम लोग बेकार में रिस्क ले रहे हो। क्या अंकल, फ्रेंडशिप तो निभानी पड़ेगी ना। कुछ नहीं होगा अंकल। ठीक तो हो ना? अब तो खुश हो ना? उतरिए। यहाँ उतरू? उतरिए। सत्या गो टू हेल। ओह शिट ही इज क्रेजी। शिट। सत्या सत्या सत्या, ये तो कोई बहुत बड़ी महफिल लग रही है, हम इनमें घुल मिल जाते हैं प्लीज। ठीक है, वो भी यही कहीं होंगे। विस्की सर? विस्की पियोगे तो कूल हो जाओगे, तो ब्रांडी ले लो। मुझे गर्मी होती है। ये तो देसी लगती है। हाँ ठंडी होगी देखो।
हाँ ठंडक पहुंचाएगी। एक और ले आ। अंकल पीने वालों के लिए बैठने का इतना अच्छा इंतजाम है तो शादी करने वालों के लिए कैसा इंतजाम? ये इनके बैठने का इंतजाम है। माफ कर दो, इसमें इतना डूब गया था। सुबह हो गई, अब घर चलो। आओ नीलो। सत्या अरे खून निकल रहा है। कोई बात नहीं। सॉरी ये सब मेरी वजह से हुआ है। आई एम सॉरी। थैंक यू। ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, यूं ही। कम ऑन से समथिंग। तुम इंग्लिश बोलती हो तो बहुत अच्छी लगती हो। तुम एक बात बताओ। मुझको हमेशा वो कुछ go to hell? हाँ, इसका मतलब? इसका मतलब तुम जहाँ भी रहो खुश रहो। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। नहीं तो मेरी इतनी मदद क्यों करती तुम? थैंक यू। अब कोई डर नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। ऊपर भगवान है, जय बजरंगबली। ऑर्डर। हेलो नीलू, गुंडे उसी तरफ आ रहे हैं, ध्यान से। जोर से मत चिल्लाओ। सत्या, अरे आप भी कमाल करते हैं अंकल, ठीक उनके जाते वक्त ही फोन किया। तुम्हें होशियार करने को। हमको वार्निंग नहीं दिया, उनको सिग्नल दिया आपने। छोड़ो भी, तुम दोनों सेफ तो हो ना? हाँ। नीलू, नीलू, नीलू। ये लाल रंग तुम्हारे होठों के पास बहुत सेक्सी लगता है, लेकिन गेम खेलने का अब समय नहीं है। वो कहाँ है? Where is he? इतने लोग गए और सिर्फ इसी को पकड़ के लाए। Idiot. सर ले आए। लाए हूं सर। हाँ ये तो बहुत ही छोटा है, इतनी बड़ी बिल्डिंग को क्या उड़ा देगा? नो डाउट सर, ये बॉम्ब लिफ्ट में रखूंगा। ये रिमोट कंट्रोल है सर, इसे दबाते ही लिफ्ट के दरवाजे बंद हो जाएंगे। लिफ्ट नीचे की तरफ जाएगी और आप हेलीकॉप्टर में चढ़ जाएंगे। लिफ्ट के नीचे जाने में ठीक 4 मिनट लगेंगे सर, और तब तक आप इस बिल्डिंग से बहुत दूर चले जाएंगे। फिर ये बम कैसे फटेगा? हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसका ट्रिगर लिफ्ट में ही सर। लिफ्ट के ग्राउंड फ्लोर टच करते ही बम ऑटोमेटिकली फट जाएगा। क्या बात है, ये तो सेक्सी से भी कमाल की चीज है। नीलो कहाँ हो तुम? मेरे नीचे है, तुम्हें कोई एतराज है क्या? हे, आज तुम मेरे हाथों जरूर मरेगा। जरूर, जैसा तुम चाहो कर लो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास टाइम नहीं है और तेरा टाइम ठीक नहीं है। ओए, लड़की पर क्या दिखाता है मर्दानगी? दम है तो पता बता, मैं आता हूँ वहाँ। तू आएगा? बता के तो देख। 550 होप स्ट्रीट, वहां जो टेलीफोन बूथ है ना, वहां तुम आ जाओ, बाकी की बातें हम वहीं पे कर लेंगे। मैं आ रहा हूँ, तब तक नीलू को कुछ नहीं होना चाहिए। ट्राई करूंगा लेकिन वादा नहीं करूंगा। हे, रावण ने सीता को 1 साल का समय दिया था, मैं इसको 1 घंटे का समय दे रहा हूं। 60 मिनट। बैग्स पैक कर लो। यस सर। एक्सक्यूज मी, इज दिस होप स्ट्रीट? टेल मी सर। ओवर देयर।
हेलो कोट पसंद आया? हे कोट के बिना कितने खूबसूरत लगेगी वो। आग से मत खेलो तुम। ए सत्या तुम तो हमेशा बहुत जल्दी में होते हो। रोड के उस तरफ जो दूसरा टेलीफोन बूथ तुम्हें दिख रहा है, तुम इस फोन को रखोगे तो वो बजेगा। सिर्फ 3 बार रिंग होगा, उसके अंदर तुमने उठा लिया तो ठीक है, अदरवाइज। हेलो हे हेलो शीशे तोड़ने जितनी हिम्मत आ गई है तुम्हें? मतलब कहीं तुम उससे प्यार तो नहीं करने लगे? सॉरी कुत्ते, हिम्मत है तो बता तू कहाँ छुपा हुआ है। मुझे मारने के लिए तुम अमरावती से अमेरिका तक आ गए तो मुझ तक नहीं पहुंच सकते। ट्राई कर लो, ऑल द बेस्ट। सत्य भाई कुछ पता चला नीलू का? नहीं। अब क्या करोगे? जय बजरंग बली। उसके खैर नहीं। बॉम्ब, ये रिमोट दबाने से वहां वो मरेगी। थ्रो हिम टू द लेफ्ट। एक बॉम्ब से 2 मौतें होंगी। आई लाइक इट। Come on.
बस एक मिनट में आता हूँ। मैं चलता हूँ। How much? $10. $10? No, this is ridiculous. Too much. $20. Excuse me, sir. $10. No, keep the change. Keep the change. No, please listen to me. Happy Jenny. Shake hand. Oh. I'm sorry. मेरी वजह से बहुत परेशानी हुई। वरना फ्रेंडशिप में मजा कैसा? मैं गाड़ी निकाल के आता हूँ। बाय सत्या। चलता हूँ। गो टू हेल। सॉरी सर। तुम सर आप ये सब कैसे हुआ? कस्टम में रहते हुए शराब की बोतल के जैसे रहता था, कैंटीन में कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल की तरह रहता था सर। अब कैसे? और अब फिनाइल की बोतल हो गया हूँ सर। तो फिर क्या नसीहत मिली आपको? लाइफ में कुछ भी करें सर, लेकिन बोतल का साथ नहीं छोड़ना चाहिए सर। तुम नहीं सुधरोगे। सर 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 क्या कोई बोतल लाए मेरे लिए? एक दूंगा। वो देखो आ गया अपना बेटा। माँ कितना हैंडसम लग रहा है ना। क्यों बेटा कैसे हो? दिखता नहीं क्या? अमेरिका में सब ठीक था? हाँ बहुत अच्छा था। क्यों भाई चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तुमने ये काम ठीक नहीं किया भैया। मैंने क्या किया? हमारे बुजुर्गों ने क्या बोला था? क्या बोला था? एक ही लड़की से प्यार करो और एक ही लड़की से शादी करो। मैंने भी यही किया। एक से ही प्यार किया, एक से ही शादी भी की।